Welcome and very good morning to all of you on the very last day of this 3 days national webinar on digital learning and online library services organized by Government Vilasadas PG College Vilasadas. Today we are there will be two sessions to be conducted. First technical session followed by question and answer sessions starts just after a couple of minutes, and then after valedictory functions will be good. Let's begin the today's technical session. First of all, I invite Dr. B.R. Chaudhary, convener of the national webinar, for welcome speech. Dr. B.R. Chaudhary, please. जी, आज के इस राष्ट्रीय वेबिनार के अवसान दिवस पर मुख्य अतिथि माननीय प्रोफेसर वंश गोपाल, कुलपति सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी छत्तीसगढ़ बिलासपुर का स्वागत अभिनंदन करता हूँ। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर एस ए निराला सर, प्राचार्य शासकीय बिलासा कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय बिलासपुर का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ, जिनके कुशल निर्देशन में यह कार्यक्रम संचालित हो पा रहा है। इस सत्र के मूर्धन्य हस्ती मुख्य वक्ता डॉक्टर नबी हसन सर, ग्रंथपाल एवं विभागाध्यक्ष IIT नई दिल्ली का भी स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ कि अपने व्यस्ततम समय में से समय निकालकर हम लोगों के बीच आज के दिनांक में हम लोगों से नॉलेज शेयर करने के लिए उपस्थित हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। इसके पश्चात एडवाइजरी बोर्ड के तमाम मेरे गुरुजन एवं कमेटी के सदस्यों के आशीर्वाद एवं स्नेह का प्रतिफल है कि देश प्रदेश के ही नहीं, इस कार्यक्रम को विदेश से भी सराहना मिल रहा है। ये हमें हमारे ऑर्गेनाइजिंग कमेटी, हमारे रिसोर्स पर्सन और महाविद्यालय परिवार का योगदान है जो हमारे प्रोग्राम को देश प्रदेश ही नहीं राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी लाइक एवं फीडबैक प्राप्त हो रहा है। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के समस्त मेरे साथीगण रेखराज साहू, सालिक दीपांजन मिश्रा, अजय चंद्रा का भी बहुत बहुत धन्यवाद एवं स्वागत करता हूँ कि कार्यक्रम को यहाँ तक पहुँचाने के लिए सतत निरंतर रूप से दिन रात आज भी कार्यरत हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन। अंत में मैं उन छत्तीसगढ़ के पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान के छात्र छात्राओं को भी धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ जो कंटिन्यू 3 दिवस तक इस कार्यक्रम पर हमसे जुड़े रहे और देश के कोने कोने से जो प्रतिभागी जुड़े हुए हैं निरंतर 3 दिनों से हमारी रिसोर्स पर्सन द्वारा प्रोवाइड किए जा रहे ज्ञान को सुन रहे हैं, धारण कर रहे हैं। मैं उन सब प्रतिभागियों का भी स्वागत अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। टेक्निकल टीम से रिक्वेस्ट, काफी ज्यादा डिस्टरबेंस है, वो देखें कहां से डिस्टरबेंस आ रहा है। बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस है। There is lot of disturbance. We are not able to hear properly. So please say from where the disturbance is coming. देख लीजिए कहाँ से आ रहा है, चौधरी साहब के यहाँ से आ रहा है डिस्टर्बेंस या और किसी का, क्योंकि इस तरह से मुश्किल हो जाएगा, बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस। प्लीज इसको फिक्स कीजिए।
मेरे ख्याल से चौधरी साहब यहाँ से डिस्टरबेंस था, उन्होंने अपना अभी परफेक्टली ऑल राइट है, इट मीन चौधरी साहब के यहाँ से डिस्टर्ब। हाँ, मुझे लगता है सर अब हो गया। चौधरी साहब थोड़ा सा देखिए आपके यहाँ से बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस सुनाई दे रही है सर। अभी एकदम बढ़िया है, अच्छा है, फर्स्ट क्लास। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन सर। या लेट्स स्टार्ट द सेशन सर। यस, it is an honor for us that we have honorable Dr. Nabi Hasan, head of the department Central Library IIT Delhi, as eminent speaker for this technical session. Dr. Nabi Hasan shared his views on transforming libraries and libraries in the digital era. I would like to request Mr. Anil Devangan, library at Nick College Durg, to share a few words of introduction about Professor Nabi Hasan's work and commendable achievements. Mr. Anil Devangan, sir, please. Mr. Anil Devangan, sir. Anil Devangan, sir, please unmute your system, please. So, very good morning to all of you. Myself, Anil Devangan, librarian, Government Polytechnic, Durg. And it is a very great pleasure and happy to introduce Dr. Nabi Hasan, sir. He is a very well-known person in our library science field. Dr. Nabi Hasan, sir, is the librarian and head Central Library, IIT. Earlier, he was served University Librarian of Aligarh Muslim University and also Deputy Librarian of Himachal Pradesh Agriculture University. He was the first Norman E. Bulgaru Fellow from India in Library and Information Science, PDF, trained at Cornell University, New York, USA. He has successfully implemented many innovative library projects, including three World Bank and ICR assisted library projects. Dr. Nabi Hasan, sir, has an experience of more than 25 years of active library services and postgraduate training, and many more publications of books and articles in national and international journals. Dr. Nabi Hasan, sir, is the member of many associations and reputed external committees. He is heading the National Resource Center in Library and Information Science of the MHRD, Government of India, as its coordinator under its ARPI MOOCs program. And I am also the student of this ARPI MOOCs program. Dr. Nabi Hasan, sir, also received many more awards from reputed institutions. And many more information and achievements, Dr. Nabi Hasan, sir, but it is not possible to conclude that thing in a short duration. So I would like to request to Dr. Nabi Hasan, sir, to start their knowledge pool session with us. Thank you very much. Thank you. So I would like to share my screen now. Yes, sir. Just making you the host so that you can share your screen. Sir, just one request, after completing your presentation, please become Bilasa College Library the host again. Okay, sir? Okay. You can remind me that time. Yes, sir. I will remind you, sir. You are now the host, and then you can share your screen. Okay, thank you. Okay, sir. Thank you, sir. Now, I welcome the, for this session as chairperson, Dr. Madhav Pandey, Granthapal, Indira Gandhi, Krishi Vishwavidyalaya, Raipur. Aaj is satr ke सत्राध्यक्ष के रूप में हमारे बीच में उपस्थित है, मैं आप सभी का अपने ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की ओर से मैं उनका स्वागत करती हूँ, आदरणीय माधव पांडे, ग्रंथपाल, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर, जो इस सत्र का ये अध्यक्षता करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू डॉक्टर पांडे, वी आर गुड फ्रेंड, वी हैव बीन वर्किंग इन द एग्रीकल्चर लाइब्रेरीज टुगेदर, आई वाज इन एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फॉर 13 इयर्स. So we are good friend. I have visited Raipur library, his library as well. He has organized his library really well, and he is conducting program. He's a very active agricultural librarian. Yeah. Thank you, Dr. Saab, Navi ji. We are happy that his daughter is also a library science teacher who was selected in IIT Delhi as well, but he preferred Chhattisgarh Institute of IIT Delhi. He joined MP PSA. Thank you, sir. So I request Honorable Nabi Hasan Sahab to deliver your lecture, please, sir.
So, madam, how much time I have for this lecture? You have, sir, 1 hour. Okay. 1 hour, sir. One hour. Yeah. Followed by question and answers. No issues. Yeah. So, are you able to see my screen properly? Yes, sir. Okay. So, thank you very much. I have been told by the organizer that I am also a Hindi Bhashi, so I can use Hindi as well in between. No problem. Okay. So, thank you very much, Chhattisgarhia, all Chhattisgarhia who are hosting this program, and the program has been going really well. I was part of a couple of their webinars, and the strength is really good using YouTube live streaming. And I'm grateful to all of those. I was personally interacting with Chaudhary Sahab. So I would like to especially thank him for giving me this opportunity. And thank you all the participants for your valuable time for this lecture. I hope I will be able to convey you some good messages. Then you can ask the question using chat box, or if the organizer may allow, they may allow someone to discuss as well. So what I am going to discuss today is that in the changing ICT environment, the role of libraries and librarians is changing, and there is a lot of transformation happening in the libraries, and librarians are also changing. If they cannot change themselves, they cannot adopt the ICT and other technologies, it will be very difficult for them to survive. So this is what I'm going to discuss today. My broader agenda is that I will be sharing my thoughts on transformation of libraries and challenges of the digital age for librarians. Then different emerging and innovative library resources, services, and products. So instead of theoretical things, I would like to focus on practical things which we have been using, doing, and experiencing. I have a global experience of visiting maybe around 10 good countries. I have seen the libraries of those countries. And I can say that we are in India. We have a different type of cultures, like we have one of the advanced libraries as well, and then we have rural libraries as well. So we are not lagging behind. It's a vast country. We are also keeping pace with the time, and we are also doing good work in libraries, whether it is ICT environment or whether it is a COVID situation. Libraries are now, most of the libraries are now open from today, maybe with 50% staff or 33% staff. So I will be using most of the screenshot to convey my message, because conveying message through, you can say, visuals is always good. And then how you can become a smart librarian, or how you can provide these smart services. And finally, I will be sharing with you my thoughts whether is there any need of libraries and librarians. So, Sathiyo, I am very thankful to you that you have taken your time. Basically, what we are going to cover today is that how are libraries and librarians changing with time, how are we changing our services with time, and how are we changing our services with time. If we don't change our services with time, then हमें सरवाइव करना मुश्किल हो जाएगा. फॉर एग्जांपल, पहले गली मोहल्ले में आरएमपी डॉक्टर्स होते थे, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर. हम उनसे दवा ले लेते थे, काम चला लेते थे. गांव में हो सकता है अब भी चलाते हों, लेकिन जब आपको ज्यादा प्रॉब्लम होती तो आपको बहुत सारे टेस्ट कराने पड़ते हैं, रिपोर्ट्स निकालनी पड़ती हैं. उनके बेसिस पे ही आपका डॉक्टर इलाज ढंग से कर पाता है. तो इसलिए अगर आप एक अच्छे डॉक्टर बनना चाहते हैं, अप टू डेट डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो आपको थोड़ा सा लाइब्रेरी की नई टेक्नोलॉजी सीखनी पड़ेंगी, नहीं तो हम पीछे रह जाएंगे, हमारा सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा. इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए ये मैंने लेक्चर तैयार किया है. और चूंकि चौधरी साहब ने मुझे ये बताया कि कुछ बहुत सारे दूसरे कंट्रीज के लोग भी ये लेक्चर देख रहे हैं, तो अच्छा ये होगा कि मैं अंग्रेजी का ज्यादा इस्तेमाल करूँ.
लेकिन मैं भी हिंदी भाषी हूँ तो मुझे वैसे कोई दिक्कत नहीं है। आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं या मुझे फ़ोन भी कर सकते हैं। इन्हीं चीज़ों को आके लेके मैं इस प्रेजेंटेशन में बढ़ूंगा। तो अगर मैं अंग्रेजी माध्यम का भी इस्तेमाल करूंगा तो आपको दिक्कत इसलिए नहीं होगी क्योंकि मैं स्क्रीनशॉट्स का ज़्यादा इस्तेमाल करूंगा। मेरे लेक्चर में थ्योरी बहुत कम होगी, विजुअल्स ज़्यादा होंगे जिससे आपको समझने में आसानी होगी। So these thoughts come up in our mind regularly, like libraries are changing, the user needs are also changing, therefore the role of libraries and librarians is also changing. So why libraries and user needs are changing? क्यों libraries और librarians की जिम्मेदारियाँ बदल रही हैं, हमारे role क्यों change हो रहे हैं? क्योंकि हम एक knowledge society में रहते हैं और एक digital age में रहते हैं और हमको लाइब्रेरीज को यूजर की नीड के हिसाब से देखने की जरूरत है। मान लिया अभी COVID-19 की सिचुएशन चल रही है, यूजर को सारी सर्विसेज चाहिए, ऑनलाइन क्लासेस और सब कुछ वो ले रहे हैं, लेकिन अगर आपकी रिसोर्सेज एक्सेस ही नहीं हो पाएंगी तो आपकी रिसोर्सेज वो कैसे यूज करेंगे, क्योंकि वो तो घर पे हैं, वो ऑफ आपके कॉलेज नहीं आ सकते। तो आपने आपको आपकी लाइब्रेरी की सर्विस को ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। ये जो चेंजेस हैं डिजिटल एज के, इनको आप कैसे मैनेज करेंगे, ये हमारे दिमाग में बार बार ख्याल आता है। सो हाउ टू मैनेज चेंजेस इन दिस डिजिटल एरा, सो दैट वी आर गोइंग टू फोकस। सो इफ वी टॉक अबाउट ट्रेडिशनल वर्सेस मॉडर्न लाइब्रेरी सर्विसेज, इन ट्रेडिशनल लाइब्रेरीज द सर्विसेज वर ऑलमोस्ट मैनुअल और देर वॉज ए सिंपल कैटलॉग और मे बी कंप्यूटराइज ओपेक, बट नाउ ए डेज वी हैव पर्सनलाइज ओपेक, वी हैव वेब बेस्ड ओपेक एंड आई मीन वी आर एबल टू प्रोवाइड द लाइब्रेरी सर्विसेज एज पर द कन्वीनियंस ऑफ द पीपुल, लाइक दे कैन एक्सेस अवर लाइब्रेरी रिसोर्सेज बाई देयर मोबाइल फोन्स, बाई देयर डेस्कटॉप, बाई देयर लैपटॉप। The libraries have developed the library apps as well. They are able to access our resources through apps as well. And they can download the full text literature. And there is a online thesis submission system as well. They can make use of smart library services like Web 2.0, Web 3.0, or they can use virtual or digital reference services. And now the libraries are also starting making use of artificial intelligence and machine learning. Like when you are searching something on Google, like you are searching a flight from Delhi to Raipur, then when you will open another site, then there will be a pop-up on your screen that the prices have been reduced or there are those many flights between Delhi and Raipur. So how it is possible? This is basically the use of artificial intelligence, or you can say machine learning. On the basis of your previous search on Google, it has been identified that you are interested in flight from Delhi to Raipur or maybe from Raipur to Delhi. So this is basically the use of ICT. Okay, so libraries are facing change due to impact of ICT on information needs of library users, information sources and technology. So I think you have heard the word disruptive technologies. आपने disruptive technology word सुना है? Disruptive technology क्या होती हैं? For example, कोई आप काम कर रहे हैं कंप्यूटर पर बैठ के, आपने WhatsApp भी खोल रखा, आपने Facebook भी खोल रखा है, बार बार आपको WhatsApp पे मैसेज आ रहे हैं, या Facebook पे आपने कोई पोस्ट डाली हुई, आपको फिक्र हो रही कि कितने लोगों ने लाइक किया या नहीं किया। तो ऑर्गेनाइजर मे आई इंटरफेयर? हेलो कैन यू हियर मी? आप सुन सकते हैं? यस सर, ऑडियो नो प्रॉब्लम। मैं हिंदी में कंटिन्यू करूं या इंग्लिश में? ऑफ कोर्स किस में कंटिन्यू करिए? इट इज बेटर टू हिंदी। हिंदी ठीक है, हिंदी में कंटिन्यू करें? यस सर ठीक है, हिंदी में बोलते हैं क्योंकि ऑफ कोर्स आप देख पा रहे होंगे कि हाँ यूजर कौन से। ठीक है, तो आपको पता है कि
है जिसको हम कहते हैं डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी। डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज क्या है? वो टेक्नोलॉजी जिससे आपका ध्यान बढ़ता है, जिसके आपके काम में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो सकता है। लाइक आप सिस्टम पे बैठ के कुछ काम कर रहे हैं, ऑफिस की फाइल क्लियर कर रहे हैं, या दूसरा काम ऑफिस में कर रहे हैं, साथ साथ आपने व्हाट्सएप भी खोल रखा है, आपने फेसबुक भी खोल रखा है, आपने लिंक्डइन भी खोल रखा है, फोन स्मार्टफोन भी आपका साथ में रखा हुआ है, तो उससे क्या हो रहा है, आपका ध्यान बढ़ रहा है। तो ये बेसिकली डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज कहलाती है। इट मीन्स अगर आपने कुछ टाइम बाउंड जल्दी काम करना है तो इन चीजों को थोड़ा साइड में रखना पड़ेगा, लेकिन इन टेक्नोलॉजी का फ्रूटफुली यूज करके यूजर को फायदा पहुंचा सकते हैं। मतलब कोई भी चीज सबके लिए बुरी नहीं है, कोई चीज जो किसी के लिए बुरी हो सकती है वो अच्छी भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल व्हाट्सएप है, आजकल आप लोग ईमेल से ज्यादा तो व्हाट्सएप का यूज कर सकते हैं या करते हैं। जब आप व्हाट्सएप का इतना ज्यादा यूज करते हैं तो व्हाट्सएप बुरा क्यों हुआ, ये आपके ऊपर है, आप उसको किस तरह से चीज को। तो ये सारी डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी है जो आपका ध्यान बटाने का काम करती है, लेकिन आप उसको एक अपॉर्चुनिटी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आजकल COVID-19 सिचुएशन है, आप बहुत परेशान हैं, घर में रिस्ट्रिक्टेड हैं, कैद हैं, बाजार नहीं जा पा रहे हैं, अच्छा खाना नहीं खा पा रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप दूसरी तरफ उसका फायदा देखिए, एनवायरनमेंट बहुत क्लीन हो गया है, चिड़ियां चहकती हुई सुनी जा सकती हैं, जाम खत्म हो गए हैं, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग अच्छा हो रहा है। वो तो हर चीज के पॉजिटिव नेगेटिव हैं, तो कुदरत ने अपना एक सिस्टम चला के रखा हुआ है, ये आपको डिसाइड करना है कि आपने किस चीज को किस तरह से चलना है। तो बहुत सारे चैलेंजेस हैं डिजिटल एज के लाइब्रेरियंस के लिए, जैसे कि चेंजिंग पैटर्न नीड्स एंड चेंजिंग जो पैटर्न है हमारा, जो यूजर है, जो लाइब्रेरी आता है, जो लाइब्रेरी को इस्तेमाल करता है, उसकी जरूरतें बदल रही हैं, उसको किस तरह की इंफॉर्मेशन चाहिए, उसको वो एक तरीका बदल रहा है, प्रिंटेड के अलावा उसको हर तरह से इंफॉर्मेशन चाहिए, उसको PDF में चाहिए, उसको HTML में चाहिए, ठीक है। उसके अलावा कंप्यूटर, वेब, गूगल, IT, ये वो लोग हैं या वो टेक्नोलॉजीज हैं जो हमारे रोल को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल पहले सर्कुलेशन पे बहुत सारे लोग चाहिए होते थे, अब एक नॉन लाइब्रेरी प्रोफेशनल भी अगर बैठा दिया जाता है वो भी लाइब्रेरी का सर्कुलेशन कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल मैं 2006 में मैं USA में कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में फेलो था, तो वहां पे जो है एक एक घंटे के लिए स्टूडेंट्स आके सर्कुलेशन पे बैठते थे, उनको करीब $10 per hour के हिसाब से दिया जाता था, वो पार्ट टाइम उनका जॉब होता था, उसके लिए कोई फॉर्मल लाइब्रेरी साइंस की क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। इनकी वजह से क्या है, हमारे जॉब में प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन आप अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज आउट ऑफ बॉक्स काम करके अपना रोल बढ़ा के आप अपनी अहमियत बना के रख सकते हैं। इसके अलावा यू कैन सी दैट देयर इज अ ट्रांजिशन फ्रॉम प्रिंट टू डिजिटल, एवरीथिंग इज लाइक IIT दिल्ली डू नॉट सब्सक्राइब एनी रिसोर्स इन प्रिंट फॉर्म, वी डोंट हैव एनी जर्नल और एनी डेटाबेस इन प्रिंट फॉर्म, वी आर सब्सक्राइबिंग ऑल द रिसोर्सेज इन ई फॉर्मेट फ्रॉम 2016 ऑनवर्ड्स। सो हाउ टू डेवलप एंड मेंटेन टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, सो it is very difficult for smaller libraries or the libraries who have less budget to develop good in technological infrastructure, and then if you have developed the good infrastructure it is very difficult to maintain it, usko hame sambhal ke bhi rakhna hai। aam taur se agar aapne aap kuch server ya kuch RFID ya kuch computers acche lagaye hain unko maintain karwana hai to jitni cost mein aapne khareede the uska kareeb 15% ye log charge karte hain आउटसोर्सिंग कंपनी वाले, जो कि आपके लिए देना बहुत मुश्किल है। देन हाउ टू डेवलप ह्यूमन रिसोर्सेज विद डिफरेंट स्किल सेट, आपका जो पुराना स्टाफ है, जो सीनियर स्टाफ है, वो कंप्यूटर को हाथ नहीं लगाना चाहेगा, उनको ट्रेन करना भी, उनकी स्किल्स डेवलप करना भी एक चैलेंज है, उनको कंफर्टेबल बनाना, नहीं कंप्यूटर आपकी हेल्प के लिए, आपका जॉब नहीं लेने वाला, आपकी अहमियत नहीं कम होने वाली। देन हाउ टू कोप विद इंक्रीजिंग फाइनेंशियल बर्डन बढ़ रहा है, बजट कट हो रहा है, तो कैसे करके ये सब मेंटेन करें, और चेंजेस हर जगह हो रहे हैं, फॉर्म्स में भी चेंजेस हो रहे हैं, लाइक डिफरेंट टाइप के डिजिटल फॉर्मेट अवेलेबल है, डिलीवरी सिस्टम में भी हो रहे हैं, पहले हम लोग अलग तरह से डॉक्यूमेंट डिलीवरी या इंटर लाइब्रेरी लोन करते थे, अभी हम बहुत तरीके से कर सकते हैं। तो हर चीज का एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज हैं। एज ए लाइब्रेरियन आपको देखना है कि आपका क्या रोल है और आप किस तरह से अपनी इंस्टीट्यूशन और लाइब्रेरी को हेल्प कर सकते हैं।
तो बहुत सारी देर आर लार्ज नंबर ऑफ इमर्जिंग एंड इनोवेटिव लाइब्रेरी रिसोर्सेज सर्विसेज एंड प्रोडक्ट एंड इट इज अप टू यू हाउ यू वांट टू मेक यूज ऑफ दीज टेक्नोलॉजीज और सर्विसेज पॉपुलरली दीज टेक्नोलॉजीज आर नोन एज वेब 2.0 और वेब 3.0 टूल्स एंड टेक्नोलॉजी These technologies help to provide more interaction in user-centric library services. Some may attract new patrons to the library and some may help to retain existing customers. Then there are Web 3.0 technologies such as the semantic web, cloud computing, mobile device. आप लोगों ने ये तो सुना होगा Web 1, Web 2, Web 3. Web 1 में क्या होता था? One-way communication होता था. मतलब किसी ने कुछ पोस्ट कर दिया इंटरनेट पे, आप उसको सिर्फ पढ़ सकते हैं, उसको आप कुछ कमेंट या कुछ भी नहीं दे सकते. वेब 2.0 में क्या हुआ? टू वे कम्युनिकेशन हो गया. फॉर एग्जांपल आपने यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीमिंग देख रहे हैं, ठीक है, आपको कुछ कहने का दिल है, आपने वहां पे कमेंट भी कर दिया, उसका जवाब भी आ गया, तो वो टू वे कम्युनिकेशन हो गया. दिस इज नोन एज वेब 2.0. नाउ वी हैव वेब 3.0. वेब 3.0 में क्या हो रहा है? सिमांटिक वेब, क्लाउड कंप्यूटिंग, मोबाइल डिवाइसेस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज हो रहा है. मतलब सिर्फ आप बोथ वे कम्युनिकेशन नहीं कर सकते, बल्कि मशीन की हेल्प से यूजर्स को थोड़ा सा समझ भी सकते हैं. फॉर एग्जांपल आई वाज डिस्कसिंग विद यू, लाइक आपने दिल्ली से रायपुर की फ्लाइट सर्च की एक बार, उसके बाद आप जितनी भी साइट्स खोलते हैं तो आपको दिल्ली से रायपुर का किराया ही दिखता रहेगा कि फ्लाइट इतनी चल रही है, किराया कम हो गया, ज्यादा हो गया. कहाँ से इंफॉर्मेशन आ रही है? आप देखिए आपको कितने कॉल सेंटर से कॉल आते हैं, आपको कितनी सारी जगह से ईमेल्स आती हैं, कितने लोग आपको तंग करते हैं, ये कहाँ से इंफॉर्मेशन ले रहे हैं? एक बार आपने कहीं इंफॉर्मेशन सर्च की या मान लिया जूम में आपने रजिस्ट्रेशन किया, ठीक है, एक बार जब आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया, उसके बाद जो है आपकी सारी इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं किसी ना किसी के डेटाबेस में सेव होगी, चाहे आपने फेसबुक का अकाउंट बनाया, चाहे आपने व्हाट्सएप का अकाउंट बनाया. So, ये लोग क्या करते हैं? वेब 3.0 का यूज करते हैं और मशीन लर्निंग या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू आपकी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं और उसको फिर यूज करते हैं. सो दैट इज नोन एज वेब 3.0 और लाइब्रेरी 3.0. सो दीज आर सम ऑफ द इमर्जिंग एंड इनोवेटिव लाइब्रेरी रिसोर्सेज सर्विसेज एंड प्रोडक्ट. आई हैव लिस्टेड ऑल दीज रिसोर्सेज बट आई विल नॉट बी कवरिंग एवरीथिंग इन डिटेल. द रीजन बींग दैट The purpose of my this presentation is you to tell you something about everything. I want to knock you that these are some of the important resources, services and products which you can make use of in your library, in your personal life. But since name have been listed here, you can explore on your own because everything, all the details are available on internet. Because if I will cover each and everything in detail, it will take 3 hours. But I have been given almost 45 to 50 minutes. So I have to complete that in that time. So as part of this emerging and innovative library resources, service and product, I have added today the webinar. Webinar has become very popular. आप खुद सोचिए कितने लोग हैं आप जो वेबिनार के बारे में जानते थे. मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा लोग थे जो वेबिनार के बारे में. अभी देखो हर कोई वेबिनार कर रहा है और कई बार मैंने देखा है कुछ लोग क्रिटिसाइज करने की कोशिश कर रहे हैं वेबिनार क्योंकि बहुत ज्यादा हो रहे हैं. भाई प्रॉब्लम क्या है? जो लोग वेबिनार ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, मेहनत वो कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी वो आपकी अपनी यूज कर रहे हैं, आपको अगर अच्छा लग रहा है, आपको वो सर्विसेस पसंद है, टॉपिक पसंद है, तो आप ज्वाइन कीजिए, अदरवाइज मत ज्वाइन कीजिए. आपका कोई खर्चा तो नहीं हो रहा है, प्लस आपको वो लोग सर्टिफिकेट भी दे रहे हैं, तो ये तो उनको अप्रिशिएट करना चाहिए जिन्होंने वेबिनार सीरीज शुरू की है. फॉर एग्जांपल एज ए एसएलए एशियन चैप्टर प्रेसिडेंट, आई वाज वन ऑफ द फर्स्ट हु स्टार्टेड वेबिनार सीरीज इन दिस पेंडेमिक. आई वाज वन ऑफ द फर्स्ट, मतलब दूसरे कुछ लोगों ने भी शुरू किया था, तो उस वक्त बहुत ज्यादा नहीं थे, अभी बहुत सारे वेबिनार है, तो उसमें कोई नुकसान नहीं है. It is giving publicity to your state, to your institution, to your activities. You can mention regarding hosting of the same in your annual report. आपने attend किया, आपको certificate भी मिला, कुछ तो ज्ञान आपको मिल रहा है ना. जब कुछ ज्ञान मिल रहा है तो उसमें नुकसान क्या है? तो webinar आप कर सकते हैं. Then this is also being live stream. तो ये भी एक emerging and innovative library service है जो आप दे रहे हैं. Then instant messaging, RSS feed is
वेरी इंपॉर्टेंट सर्विसेज. फॉर एग्जांपल आजकल बहुत सारे लोग डर से न्यूज़पेपर नहीं ले रहे, तो आप लोग जो न्यूज़पेपर इंपॉर्टेंट हैं, चाहे टाइम्स ऑफ इंडिया है या कोई हिंदी का न्यूज़पेपर, दैनिक जागरण है, जनसत्ता है, कोई भी है, या राजस्थान पत्रिका है, तो आप वहां पे उनके आरएसएस फीड्स होते हैं, मतलब उस न्यूज़पेपर की वेबसाइट पे जाएं और उनको सब्सक्राइब करें, तो जो भी न्यूज होगा आपको ईमेल में उसका लिंक आ जाएगा. ठीक है, तो उससे क्या होगा, पूरा का पूरा आपको पता लगता रहेगा मोबाइल से ही कि क्या हो रहा है दुनिया में, किस टॉपिक के बारे में क्या हो रहा है. तो इन सर्विसेज को आप इस्तेमाल करें. हम लोग तो आरएसएस फीड का यूज करते हुए, न्यूज क्लिपिंग सर्विसेज पहले डेली प्रोवाइड करते थे, अब मंथली प्रोवाइड करते हैं. फॉर एग्जाम्पल मुझे इंटरेस्ट है कि आईटी दिल्ली से रिलेटेड जो भी न्यूज आज आई है दुनिया में, उसका मैंने सारा आरएसएस फीड सब्सक्राइब किया हुआ है. तो सुबह 8 बजे के करीब मुझे सारे वो लिंक आ जाते हैं कि आईआईटी दिल्ली कीवर्ड टाइम्स ऑफ इंडिया में इतनी बार अपीयर हुआ है. तो ये बहुत अच्छी सर्विसेज है. पॉडकास्टिंग का मतलब लाइक ऑडियो ऑडियो स्ट्रीमिंग, और यू कैन से ऑडियो मेकिंग यूज ऑफ ऑडियो. वोडकास्टिंग, यू कैन सब्सक्राइब टू एसएमएस इंक्वायरी सर्विसेज. देन यू कैन मेक यूज ऑफ ब्लॉग्स. There are sites which can offer you free blogs. Then you can make use of wikis like Wikipedia and other wikis. Then social networking, you can make use of positive use of social networking as well. Tagging is also important service. Now people are writing on Twitter. If you are also responding someone on Twitter and you are tagging as well, then obviously like if you have written something to some department of Chhattisgarh and you are tagging chief minister as well, somebody will see that. So that is a very good service. So there are many other services as well which you can make use of. So apart from this, there are federated or discovery services. Aap log jante honge federated services mein kya hota hai ki sari resources ko link kar diya jata hai. Matlab aap koi keyword de rahe hain, वो कीवर्ड उन रिसोर्सेस में जहां जहां आया होगा, चाहे वो ई बुक्स हो, ई जर्नल्स हो, डेटाबेसेस हो, आपकी किताबें हो, आपके थीसिस हो, उनको उनके सारे लिंक अपीयर हो जाएंगे. जबकि डिस्कवरी में एक यूनिफाइड इंडेक्स बना होता है, वो यूनिफाइड इंडेक्स से इंफॉर्मेशन सर्च करके आपको इमीडिएट रिजल्ट दे देता है. सो बहुत सारी, जरूरी नहीं कि आप पेड सर्विसेज दें. मैं आपको कुछ स्क्रीनशॉट भी शेयर करूंगा. हम लोग EDS यूज करते हैं, एप्सको डिस्कवरी सर्विस. 9-10 लाख रुपए जाता है पर एनम का, हर कोई नहीं दे सकता. तो आप लोग व्यू फाइंड यूज कर सकते हैं जो कि फ्री सर्विस. थोड़ा सा आपको एफर्ट्स करने की जरूरत है. हर सर्विस का कोई ना कोई फ्री अल्टरनेट है. ऐसा नहीं है कि आप, और एक नॉर्मल कंप्यूटर को भी आप सर्वर बना के सारी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं. देन यू कैन इम्प्लीमेंट सिक्स सिग्मा फॉर एनहांसिंग सर्विस क्वालिटी. देन यू कैन क्रिएट इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी यूजिंग डी स्पेस और ई प्रिंट और Fedora, any software. Then you can create interactive library, website library portal, जिसमें आपका interaction हो सके user से. You can personalize your OPEC, Koha has a provision that you can allow the users to interact as well. Like they can recommend the books, they can leave the comments. You can provide remote login services using many free tool like IIT Delhi is providing using VPN and Shibboleth. VPN is paid. But with the help of InfliNet, we are providing access to our resources using Shibboleth as well. Then you can have users speak, user meet. You can make use of cloud computing. You can install the chat or ask the librarian app. जैसे कि आप commercial website हैं, जैसे कि e-commerce site like Amazon or Flipkart, वहाँ पे chat का provision होता है. In fact, chat bot भी होते हैं. Chat bot means कि आपने कुछ query डाली, उनके पास रेडीमेड आंसर्स होते हैं, वहाँ कोई फिजिकली बैठा नहीं है, फिर भी आपको आंसर मिल जाता है. तो उस तरह की सर्विसेज आप लोग भी शुरू कर सकते हैं, चाहे वो ऑनलाइन फॉर्म्स के थ्रू हो, वेबकास्ट हो. तो बहुत सारी सर्विसेज जो आप शुरू कर सकते हैं. इन सर्विसेज का कोई अंत नहीं है, मतलब इतनी ज्यादा आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है कि आपके पास अगर पैसा है तो आप पेड सर्विसेज ले सकते हैं, और आपके पास अगर पैसा नहीं है तो आप फ्री सर्विसेज भी प्रोवाइड कर सकते हैं, लाइक व्हाट्सएप के थ्रू, या क्विक रिस्पॉन्स कोड QR कोड आप लाइब्रेरी में डिफरेंट जगह पेस्ट कर सकते हैं. तो कोई आपका OPEC का एड्रेस टाइप करने की जगह, लाइब्रेरी का एड्रेस टाइप करने की जगह सीधे QR कोड स्कैन करेगा. हर किसी के पास आजकल QR कोड स्कैन करने की फैसिलिटी है, क्योंकि सारे लोग स्मार्टफोन यूज करते हैं. तो इसी तरह से सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर आप लाइब्रेरी की ऐप बना लेते हैं,
फ्री बन सकती है। थोड़ा सा आप YouTube पे अगर देखें किस तरह से बना सकते हैं, थोड़ा सा आपको कंप्यूटर की नॉलेज है, किसी साथी की हेल्प ले सकते हैं, तो आप लाइब्रेरी की ऐप बनाइए। अगर लाइब्रेरी की ऐप बना लेते हैं तो आपके स्मार्टफोन से आपकी सारी लाइब्रेरी की सर्विसेज बहुत अच्छे से यूज हो सकती हैं। और आपके पास अगर बहुत बढ़िया फैसिलिटीज है, अच्छी इंस्टीट्यूशन में कंप्यूटर सेंटर के साथियों से अच्छी दोस्ती है, तो आप आगे कुछ भी कर सकते हैं। लाइक आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करा सकते हैं, वर्चुअल रेफरेंस सर्विस उनको प्रोवाइड कर सकते हैं, और कुछ भी उससे आगे जा सकते हैं। तो यहाँ पे रोल ऑफ लाइब्रेरियन और लाइब्रेरी प्रोफेशनल इज वेरी इंपॉर्टेंट इन ई एनवायरनमेंट। कैसे इंपॉर्टेंट है? लाइक इंडिया में तो हम लोगों के ट्रेडिशनल डेजिग्नेशन होते हैं, फॉर एग्जांपल असिस्टेंट लाइब्रेरियन, डिप्टी लाइब्रेरियन, लाइब्रेरियन। उसका रीजन ये है कि अगर हमारे ट्रेडिशनल डेजिग्नेशन नहीं होंगे तो हमें प्रमोशन कैसे मिलेगा, हमें नेक्स्ट सेल में शिफ्टिंग कैसे मिलेगी। अगर मान लिया मुझे अभी नॉलेज मैनेजर का डेजिग्नेशन दे दिया जाए तो कल को मैं कहीं अप्लाई करता हूँ, उसमें लिखा होगा 5 साल अपने असिस्टेंट लाइब्रेरियन सर्व किया हो या आपने 5 साल डिप्टी लाइब्रेरियन सर्व किया हो, तो मुश्किल हो जाएगा। तो इंडिया में गवर्नमेंट सिस्टम में तो डेजिग्नेशन चेंज करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन हमारे काम तो चेंज हो रहे हैं ना। हमारा डेजिग्नेशन चाहे उसी तरह से है, लेकिन काम हमारे इस तरह से हो रहे हैं कि हम भी ये इन डेजिग्नेशन पे कहीं ना कहीं फिट हो रहे हैं। हालांकि आप प्राइवेट में देखें, चाहे TCS है या दूसरे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन देखें, वहां पे लाइब्रेरियन को डिफरेंट टाइप के डेजिग्नेशन दिए गए उनके काम के हिसाब से। लेकिन एज ए लाइब्रेरियन और एज ए लाइब्रेरी प्रोफेशनल आपको आउट ऑफ बॉक्स रेस्पॉन्सिबिलिटीज निभानी है। आप सिंपली इशू रिटर्न और नॉर्मल सर्विसेस को लेके जागरूक रहेंगे सिर्फ और दूसरी जो नई टेक्नोलॉजी से भागते रहेंगे तो आपको अहमियत नहीं मिलेगी, आपकी अहमियत खत्म हो जाएगी, आपकी बात एडमिनिस्ट्रेशन भी नहीं सुनेगा, आपको फंडिंग भी ढंग से नहीं मिलेगी। इसलिए थोड़ा सा स्मार्ट लाइब्रेरियन बनिए, कुछ ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड कीजिए, न्यूज क्लिपिंग शुरू कर दीजिए, मैगजीन क्लिपिंग शुरू कर दीजिए, रैंकिंग में अपने कॉलेज यूनिवर्सिटीज को हेल्प कीजिए, उनको डेटा एनालाइज करके दीजिए। आप बताइए आपके कॉलेज का क्या कंट्रीब्यूशन है, किस तरह से उनके वो लोग किन जर्नल में पेपर पब्लिश कर सकते हैं, किस तरह से उनकी जो डिफरेंट रिपोर्ट्स होती हैं कॉलेज की, मैगजीन्स होती हैं उनकी, यूनिवर्सिटीज के डिफरेंट जो न्यूज़लेटर्स होते हैं, वो सब आप डिजिटाइज करके किसी सॉफ्टवेयर का यूज करते हुए लाइक डी स्पेस और अदर एक छोटी सी इंस्टीट्यूशन रिपोजिटरी बना लीजिए। सारा रिकॉर्ड आपका इकट्ठा होता जाएगा, चाहे वो एनुअल रिपोर्ट हो, कुछ भी, किसी को कुछ ढूंढना नहीं पड़ेगा, कितना आसान हो जाएगा। तो आपको अपनी इंपॉर्टेंस आप इस तरह से काम करके दिखाइए कि एडमिनिस्ट्रेशन को लगे कि हमारा लाइब्रेरियन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बिना तो हमारा काम चल ही नहीं सकता, और ये आपके हाथ में। तो लाइब्रेरियन जो है या लाइब्रेरी हर जगह पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। लाइक अगर रिसर्च की अगर बात करें तो लाइब्रेरियन कैन हेल्प फाइंडिंग ए रिसर्च प्रॉब्लम। लाइक अगर कोई रिसर्च करने जा रहा है, उसको पता नहीं होता कि सिनॉप्सिस वगैरह कैसे तैयार करना है, तो आप उसको बता सकते हैं कि भैया शोध गंगोत्री करके एक साइट है जहां पे रेडीमेड सिनॉप्सिस अवेलेबल होते हैं, आप वहां से सिनॉप्सिस डाउनलोड करें, उसका फॉर्मेट देखें किस तरह से सिनॉप्सिस बना रहे हैं, और आप अपने टॉपिक के कंटेंट उसके हिसाब से फिट कर दें, कितना ईजी हो जाता है। उसी तरह से कैसे करके लिटरेचर रिव्यू करते हैं, कैसे लिटरेचर बैकग्राउंड लिटरेचर, तो आप उनको बताएं भैया डेटाबेसेस हैं, वेब ऑफ साइंस है, स्कोपस है और दूसरे बहुत सारे फ्री डेटाबेसेस, उनकी सहायता से आप कैसे करके बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन या लिटरेचर रिव्यू कर सकते हैं, कैसे डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, कैसे डेटा एनालाइज कर सकते हैं, आप उनको बताएं। बढ़िया बढ़िया सॉफ्टवेयर हैं, फ्री हैं, इवन एक्सेल की हेल्प से या SPSS की हेल्प से, आर की हेल्प से आप किस तरह से एक रिसर्च स्कॉलर को फाइनली उसका सारा काम करा के उसको पब्लिश करने में हेल्प कर सकते हैं। तो उसी तरह से रोल ऑफ लाइब्रेरियंस और लाइब्रेरी स्टाफ इज वेरी इंपॉर्टेंट इन ETD प्रोग्राम। लाइक अभी पेंडेमिक चल रहा है, सॉफ्ट कॉपी ही थीसिस की सबमिट हो रही है, वाइवा ऑनलाइन कंडक्ट हो रहे हैं, डिग्री अवार्ड हो रही है, हम रिसर्च स्कॉलर को एक साल घर में बैठा के इंतजार तो नहीं कर सकते, उसकी डिग्री डिले नहीं करा सकते, तो यहाँ पे आपका इंपॉर्टेंट रोल शुरू हो जाता है। आप अपने एडमिनिस्ट्रेशन को पहले समझें फिर समझाएं कि भाई किस तरह से ETD के सबमिशन से लेके रिव्यू और डिग्री अवार्ड तक, कमेंट्स तक रिव्यूअर के, किस तरह से आप उसको हेल्प कर सकते हैं, किस तरह से शोध गंगा, शोध गंगोत्री या शोध शुद्धि या विद्वान प्रोजेक्ट्स आपके हेल्प कर सकते हैं। तो प्रॉब्लम यही आती है जब हम कोई इंफॉर्मेशन ढूंढते हैं, मैंने इतनी सारी इंफॉर्मेशन के बारे में आपसे बात की, जब हम कुछ इंफॉर्मेशन ढूंढने लगते हैं तो हम सबसे पहले गूगल पे जाते हैं, जब हम गूगल पे जाते हैं तो हमें काम की इन्फॉर्मेशन मिलती ही नहीं है,
क्यों नहीं मिलती, वहां पे तो करोड़ों इंफॉर्मेशन है। आप अगर एक मान लिया लाइब्रेरी इन छत्तीसगढ़ कर भी कीवर्ड डालेंगे तो आपको एकाध लाख हिट्स मिलेंगे। जो काम का हिट है हो सकता है आपको पेज नंबर 3 या 4 पे मिले, तो वहां तक तो आप जाएंगे नहीं। 1 से 2 स्क्रीन से ज्यादा तो आपका पैशन होता नहीं है, आप सुन ही नहीं पाते, उनको देखना ही नहीं चाहते, ठीक है। तो यहाँ पे आपका लाइब्रेरियन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। आप उनको बताएं कि भैया अगर गूगल सर्च कर रहे हो तो गूगल में एडवांस सर्च चले जाओ, और एडवांस सर्च में आप जाओगे तो आपको ये आप वहां रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो कि आपको पीडीएफ फाइल चाहिए, आपको पीपीटी चाहिए, आपको वर्ड की फाइल चाहिए, आपको एचटीएमएल चाहिए, आपको इमेज चाहिए, क्या चाहिए। तो बहुत आसानी से आप उनकी हेल्प कर सकते हो एडवांस सर्च यूज करते हुए। इसके अलावा और भी बहुत से तरीके हो सकते हैं, लाइक इसीलिए लाइब्रेरियन को जो है, ये आप देखें, इसीलिए लाइब्रेरियन को जो है रियल सर्च इंजन कहा जाता है। आप देखें ये तो इसीलिए उसको रियल सर्च इंजन कहा जाता है। तो देर आर मेनी सर्च इंजन, आपने खाली गूगल का सुना होगा, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे सर्च इंजन हैं जिनको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये स्क्रीन से आपको पता लग रहा होगा। पांडे जी, आर यू एबल टू हियर मी, आप सुन पा रहे हैं ठीक से? हिंदी भाषी है तो हम लोग को मेरे ख्याल से 90% श्योर सर। बड़ा आपने लेक्चर इंटरेस्टिंग कर दिया जी। तो हम यहाँ पे लाइब्रेरियंस का रोल बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। लाइब्रेरियंस ये बता सकते हैं अपनी फैकल्टी को, अपने स्टूडेंट्स को, अपने लोगों को कि भैया गूगल से आगे भी कुछ है, एक वर्ल्ड कैट है जहां से आप किताबें सर्च कर सकते हैं। आप देखें, वर्ल्ड कैट है जहां से आप किताबें सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा अगर इंडियन किताबें ढूंढ रहे हैं तो भैया इंडकैट है, इंडकैट है ये जो कि इन्फिनिट होस्ट करता है, आप ये भी कर सकते हैं। इसके अलावा डेलनेट है, ठीक है ये पेड सर्विस है लेकिन इसका सब्सक्रिप्शन बहुत महंगा नहीं है, आप ये भी यूज कर सकते हैं। मान लिया आप सेम सिटी से किताबें इंटर लाइब्रेरी लोन मंगा रहे हैं तो आपको कोई चार्जेस नहीं लग रहे हैं। हाँ, अगर आप दूसरे सिटी से मंगा रहे हैं तो सिर्फ आपको पोस्टल चार्ज लग रहा है। इसके अलावा सिंगल विंडो सर्च हैं, फॉर एग्जांपल आईआईटी दिल्ली ईडीएस यूज करता है, तो ईडीएस जो यूज करता है वो एक पेड सर्विस है, लेकिन आप उनको बताएं कि भैया एक व्यू फाइंड करके भी है जो कि फ्री ऐप है जिसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं, जो कि एक डिस्कवरी सर्विस है। तो मैंने आपको बताया था फेडरेटेड सर्च ऑलरेडी एक्सप्लेन कर लिया है कि बहुत सारी रिसोर्सेज का रिजल्ट वो एक ही स्क्रीन पे दे देता है। और डिस्कवरी सर्विस में क्या होता है, हाइपरलिंकिंग नहीं, इसको एक यूनिफाइड इंडेक्स बनाता है जिसमें आपको इमीडिएट रिजल्ट दे देता है कि फॉर एग्जाम्पल मेरी लाइब्रेरी में किताबें हैं, थीसिस हैं, जर्नल पेपर्स हैं, डेटाबेसिस हैं, फैकल्टी पब्लिकेशन हैं। तो मैं अगर कीवर्ड कुछ डालता हूँ तो वो मुझे वही रिसोर्सेज दिखाएगा जो मेरे लोगों को फुल टेक्स्ट एक्सेसिबल है, मतलब मुझे फालतू का कूड़ा कबाड़ा वो दिखाएगा ही नहीं जो गूगल दिखाता है। इट मींस ये सर्विसेज बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये आईआईटी दिल्ली की वेबसाइट है जो लैंडिंग पेज है, और ये हमारी आपको सुन के अच्छा लगेगा कि हमारी ये साइट हमारे अपने लोगों ने बनाई, हमने बाहर से कोई हेल्प नहीं ली है। हमारी कंप्यूटर एप्लीकेशन डिवीजन में इंचार्ज है मिस्टर शंकर चौहान, उनकी उन्होंने लीड किया है, उनके साथ एक वेब मास्टर भी हैं और लोगों ने भी इनपुट दिया। तो इस जैसे ये ड्रुपल पे साइट बनाई है, फ्री है ड्रुपल, तो इस साइट ड्रुपल पे बनाने का बहुत बड़ा एडवांटेज क्या है कि इसमें एक सर्च बॉक्स मिलता है। फॉर एग्जांपल आप नबी हसन को इस साइट में ढूंढना चाह रहे हैं या मेरा ईमेल आईडी चाहिए, आपको इतना पता है नबी हसन या डॉक्टर नीरज या शंकर चौहान जी ये जो है आईआईटी दिल्ली लाइब्रेरी में काम करते हैं, लेकिन इनको ढूंढे कैसे? तो ये सर्च बॉक्स है, यहाँ पे अगर मेरा नाम या किसी का नाम आप टाइप कर देंगे तो वो पूरी वेबसाइट से सारे हिट्स आपको लाके दे देगा। कितनी बढ़िया सर्विस है, कितनी अच्छी सर्विस है, और ये फ्री है, आपको थोड़े से एफर्ट्स करने, फ्री टूल्स हैं, फ्री सर्विसेस हैं। उसी तरह से आईआईटी दिल्ली ने किसी की हेल्प से एक लाइब्रेरी ऐप डेवलप कराई है, ठीक है। लाइब्रेरी ऐप में क्या है, ये सिंगल विंडो सर्च है, मतलब ये मोबाइल के लिए है, एंड्रॉयड यूजर के लिए भी, आईफोन यूजर्स के लिए भी। तो इससे क्या है, जो रिसोर्सेज लाइब्रेरी में आती हैं उन सब का एक सिंगल रिजल्ट दे देता, आपको फालतू का कोई भी गार्बेज नहीं दिखाएगा। तो
ये आप भी डेवलप करा सकते हैं। बहुत सारी टूल्स हैं जिससे फ्री लाइब्रेरी ऐप बन सकती है। इसके अलावा हम लोग निम्बस के साथ एज ए प्रोजेक्ट काम कर रहे हैं कि क्या एप्स को डिस्कवरी या किसी और डिस्कवरी सर्विस से बेहतर भी कोई सॉल्यूशन हो सकता है जिसमें कि थोड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज हो, तो ये एक्सप्लोर कर रहे हैं और बेहतर रिजल्ट के लिए। ये मैंने आपको डिस्कवरी के लिए बताया था कि अगर आप पेड सर्विस नहीं दे सकते तो व्यू फाइंड एक ऐसी सर्विस है जिसको आप फ्री इंस्टॉल करा सकते हैं। थोड़ी बहुत कंप्यूटर की नॉलेज चाहिए और ऐसा नहीं इम्पॉसिबल नहीं है, तो व्यू फाइंड को आप एक्सप्लोर करके देखें, कंप्यूटर वाले दोस्तों से बात करें और ये आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए, हर चीज गूगल में सर्चेबल नहीं होती। आपने एक वर्ड पता नहीं सुना है नहीं सुना है, एक होता है इनविजिबल वेब और डार्क वेब। आप ये कहा जाता है कि गूगल जो है सिर्फ 15-25% रिसोर्सेस का ही रिजल्ट देता है। मेरे पास कोई ऑथेंटिक सोर्स नहीं है कहने की, मैंने सुना है कि जो कोई आप चीजें सर्च करते हैं उसका गूगल 15-25% ही सर्च कर पाता है। मतलब आप मान के चलो 75-80% रिसोर्सेस तो उसने एक्सप्लोर ही नहीं की। तो इसके लिए कुछ मेटा सर्च इंजन है। मेटा सर्च इंजन का मतलब ये हुआ, ये जो सर्च करते हैं ये सर्च इंजन से सर्च करते हैं। दीज मेटा सर्च इंजन सर्चेस इंफॉर्मेशन फ्रॉम दी सर्च इंजन लाइक गूगल है, याहू है, ये वहां से इंफॉर्मेशन सर्च करके आपको रिजल्ट देंगे। तो ये कुछ ऐसे भी आपको रिजल्ट देंगे जो कि गूगल नहीं ढूंढ पाएगा। तो उनमें जैसे डॉग पाइल करके है एक सर्च इंजन, मेटा सर्च इंजन काफी पॉपुलर है। तो आप थोड़ा सा ट्राई करके देखें कि जो चीज आप गूगल में सर्च कर रहे हैं वो डॉग पाइल या किसी और मेटा सर्च इंजन में कर रहे हैं तो क्या कोई डिफरेंस आ रहा है। आप डेफिनेटली पाएंगे कि उसके अलावा सिमेंटिक सर्च इंजन भी है, मतलब वो सर्च इंजन जो थोड़ा सा मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करते हैं। ये चीजें आपको सब फ्री हैं, ये कोई पेड रिसोर्सेस नहीं है। तो आप इनको थोड़ा सा एक्सप्लोर करके देखें कि ये सर्च इंजन क्या आप जो गूगल से नहीं ढूंढ पा रहे हैं क्या आपको दे पा रहे हैं ये। इसके अलावा सब्जेक्ट इंफॉर्मेशन गेटवेज हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको सिर्फ लाइब्रेरी साइंस की इंफॉर्मेशन ढूंढनी है या आपको कंप्यूटर साइंस की इंफॉर्मेशन ढूंढनी है या आपको मेडिसिन की इंफॉर्मेशन ढूंढनी है, तो आप गूगल पे क्यों जाएं? आप सीधे सब्जेक्ट इंफॉर्मेशन गेट पे, आप ऐसे पोर्टल पे जाएं जो आपको उस पार्टिकुलर रिसोर्स की ही इंफॉर्मेशन दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल, एएमयू में एक फैकल्टी है, उन्होंने एक प्रोजेक्ट लिया था एलआईएस गेटवे करके। तो अगर आप एलआईएस गेटवे पे जाते हैं तो आपको सिर्फ लाइब्रेरी की इंफॉर्मेशन मिलेगी ना। उसी तरह से एक फैकल्टी है, उन्होंने आईटी गेटवे करके प्रोजेक्ट लिया था यूजीसी से, ठीक है, तो यूजीसी या डीएसटी से जहां से भी लिया हो। तो आप उसी तरह से, ये एक इन्फिल्मेट का बड़ा पॉपुलर गेटवे है, सब्जेक्ट गेटवे इन्फोपोर्ट। तो आपको अगर रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप सिर्फ गूगल क्यों ट्राई कर रहे हैं, आप जंक क्यों देख रहे हैं, आप सिर्फ काम की इन्फॉर्मेशन देखें ना। तो इस तरह से ये आप इन्फोपोर्ट को इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ कॉमन सर्च इंजन है जो बहुत सारी इंफॉर्मेशन कंपाइल करके देते हैं आपको, जैसे एक डीमोज है, एक और सर्च इंजन है जो आपको पहले बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं था, वर्डोमीटर। आजकल लोग कोविड की इंफॉर्मेशन के लिए उसको बहुत ज्यादा यूज करते हैं, तो वो आपको ये बताता है, इट्स नॉट बेसिकली ये सर्च इंजन ऑफ सर्च टाइप, वो आपको ये बताता है कि दुनिया में कितना क्या हो रहा है, मतलब कितने बच्चों का जन्म हुआ, कितने एक्सीडेंट में मर रहे हैं, कितने ईमेल जनरेट हो रहे हैं, कितने कोविड के केसेस हैं। तो इस तरह की चीजों के बारे में आप अपनी फैकल्टी, अपने लोगों को बताएं, जिससे उनको पता लगे भैया हमारा लाइब्रेरियन बहुत ही लर्नेड है, बहुत समझदार है, उसके पास हर चीज का सॉल्यूशन है। आप अपनी अहमियत इस तरह से साबित करें। आप सिंपली बैठे रहेंगे तो उससे काम नहीं चलेगा, उससे तो आपकी यही इमेज जाएगी कि भैया लाइब्रेरियन का काम ये है, किताबें खरीदो, उनको कुछ टेक्निकल प्रोसेसिंग कर दो और उनको सेल्फ में पहुंचा दो, उसके बाद इशू रिटर्न करते रहो, किताबें लगाते रहो। इस इमेज से आपको अगर बाहर आना है तो थोड़ी सी आउट ऑफ बॉक्स सर्विसेज प्रोवाइड करनी पड़ेंगी। एक बार जब ऑफिस आप आ ही गए तो अच्छा होगा आप बढ़िया से काम करें। क्या जरूरी थोड़ी है कि आप सिंपल बैठ के अखबार पढ़ते रहें। आप ये क्यों कहें कोई आपके पास रीडर आ रहा है, आप बोलें भैया वो लास्ट में रह के वहां से किताब ले लो, रखी होगी। अच्छा तो ये होगा आप जाके खुद उसको किताब दें, उसको पर्सनलाइज सर्विस प्रोवाइड करें।
सो मैं ही नहीं कह रहा हूँ कि सबके पास स्कोपस है, लेकिन अगर किसी के पास स्कोपस है तो देखिए कितना आसान हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल कोई आईआईटी दिल्ली ढूंढ रहा है तो आप देखिए आईआईटी दिल्ली के कितने सारे वेरिएंट हैं। अगर आपने इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग के लिए अप्लाई किया हुआ है एनआरएफ में, ठीक है, वो तो स्कोपस व्यवसाय से चेक करेंगे आपके रिकॉर्ड, तो उनको मान लिया 100 रिकॉर्ड मिले, पता लगा 100 आईआईटी दिल्ली के नाम से, 100 इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के नाम से और 100 इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली के नाम से। तो ये आपको लाइब्रेरियन का काम है, आप सारे रिकॉर्ड उनके मर्ज करवाएं, आप बताएं भैया ये तीनों सब एक ही हैं, नबी हसन भी एक है, एन हसन भी एक है, हसन एन भी एक ही है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपकी रैंकिंग एकदम बढ़ जाएगी, वो ऑथर भी खुश हो जाएगा जिसके सारे नाम आपने मर्ज कर दिए, और उसका एकदम से साइटेशन काउंट बढ़ेगा, उसका एच इंडेक्स बढ़ जाएगा और इंस्टीट्यूट को बहुत फायदा होगा। उसी तरह से वेब ऑफ साइंस अच्छी खासी इंस्टीट्यूशन को एक्सेस दिया हुआ है इंटरनेट के थ्रू, आप बताएं लोगों को इसका किस तरह से यूज कर सकते हैं। इंडियन साइटेशन हमारा इंडियन प्रोडक्ट है, जिनको इसका, ये सारे पेड प्रोडक्ट है लेकिन कुछ चीजों का कुछ को एक्सेस होगा। तो इसके लिए जरूरी है हम क्या करें, वो लाइब्रेरियन जो ये सब नहीं कर पा रहे हैं, सर्विसेज ढंग से नहीं दे पा रहे हैं, वो क्या करें, उनको अपनी थोड़ी सी स्किल्स, अपनी थोड़ी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसीज बढ़ाने की जरूरत है। वो वेबिनार से भी बढ़ सकती है, वो ट्रेनिंग प्रोग्राम से भी बढ़ सकती है, बट अच्छा होगा आप एक ग्रुप ऑफ पीपल लाइक माइंडेड जो आपके फ्रेंड्स हैं, कोलीग्स हैं, उनसे बात करते रहें, उनसे रेगुलर डिस्कशन। आजकल तो आप सब जान गए कि भाई गूगल मीट या जूम या इतनी सारी वेबएक्स, इतनी सारी फ्री ऐप हैं, सारे दोस्त जुड़ जाएं और उनसे गपशप मारें और सब उनसे सारी प्रोफेशनल चीजें डिस्कस करें, तो आप अपनी मैनेजरियल स्किल्स सुधारें, आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स सुधारें, आप किस तरह से प्रेजेंटेशन देना है। हो सकता है आपको ये मेरा प्रेजेंटेशन अच्छा ना लगे या मेरी बात उतनी नहीं मजा आए, लेकिन मैंने अपने आप को चेंज किया एकदम से। मुझे लगा हिंदी भाषी लोग ज्यादा हैं, 90% है, तो इंग्लिश ही क्यों बोले, वो हमारी मातृभाषा थोड़ी है। तो मुझे लग रहा है कि मैं अपनी बात हिंदी में ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकता हूं, तो मैंने अपने आप को एकदम से चेंज किया। तो आपको ये देखना जरूरत के हिसाब से, कस्टमर के हिसाब से, कि आपको कहाँ पे अपग्रेड अपने आप को करने की जरूरत है। तो एज ए एलाइज प्रोफेशनल यू शुड लुक एट न्यू टेक्नोलॉजीज एंड सर्विसेज विद ए क्रिटिकल आई। इसका मतलब ये है, कोई नई चीज आ गई है उसको आंख बंद करके आपने अडॉप्ट नहीं करना है, आंख बंद करके सीधे यस नहीं कर देना कि अरे ये जूम बहुत अच्छा है या वेबएक्स बहुत अच्छा है। आपने उसको इवेलुएट करना है कि उसके साइड इफेक्ट क्या है। हो सकता है कि किसी प्रोडक्ट के साथ प्राइवेसी इशू हो सकता है किसी का वीडियो फीचर अच्छा हो सकता है किसी का ऑडियो फीचर अच्छा हो। तो एज ए लाइब्रेरियन, एज ए क्रिटिकल आई, एज ए लाइब्रेरियंस आई, ये आपको बताना है कि भैया ये चीज अच्छी है, इसको इस तरह से देखो। तो एज ए अपडेटेड लाइब्रेरियन, अगर आप बहुत अच्छे लाइब्रेरियन बनना चाहते हैं और अपने आप को अपडेट रखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी लोग इज्जत करें, लाइब्रेरियन का रिस्पेक्ट करें। मैंने देखा यूएस वगैरह में या यूरोप में लाइब्रेरियन को बहुत इज्जत मिलती है, वहां बहुत रिस्पेक्ट किया जाता है लाइब्रेरियन का। क्यों किया जाता है? वो कहते हैं भैया ये वो लोग हैं जो सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं। अगर कोई सोशल साइंस की डिग्री वाला लाइब्रेरियन साइंस की लाइब्रेरी में काम कर रहा है तो बेचारा वो साइंस पढ़ता है, वो बुक्स को एक्सप्लोर करता है, उनके कंटेंट एक्सप्लोर करता है, उसके बाद जो है वो उनको बताता है। तो दूसरे कंट्रीज में अभी भी प्रिंटेड बुक्स बहुत ज्यादा पढ़ी जाती हैं। आप मेट्रो में देख लो, आप फ्लाइट में देख लो, आप एयरपोर्ट पे, बस स्टैंड पे, ट्रेन स्टेशन पे, हर जगह कुछ ना कोई आपको पढ़ता हुआ मिलेगा। तो एज ए अपडेटेड लाइब्रेरियन आप बहुत सारी हेल्प कर सकते हैं लोगों की। आप स्क्रीन पे ये देख रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी काफी टाइम हो गया है, मेरे पास काफी स्लाइड्स हैं, तो ये सब चीजें आप मतलब यहाँ स्लाइड से देख लें। आई एम नॉट गोइंग टू कवर इन डिटेल, लेकिन अगर आप ये सब चीजें कर रहे हैं तो मार्केटिंग भी भाई बहुत जरूरी है। जो बिकता है, जो दिखता है वही बिकता है, जो दिखता नहीं है वो बिकता नहीं है। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप बहुत अच्छी सेवाएं दे रहे हैं, आपकी लाइब्रेरी बहुत बढ़िया काम कर रही है, ठीक है। अब ये चौधरी साहब ये वेबिनार कर रहे हैं, अब छत्तीसगढ़ के लिए बहुत बड़ी चीज है, हो सकता है आईआईटी दिल्ली के लिए बड़ी चीज ना हो। तो चौधरी साहब अगर ये बताएंगे नहीं लोगों को कि भैया हम वेबिनार कर रहे हैं, तो कौन जुड़ेगा इनसे, कौन समझेगा कि ये बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, कौन ये कहेगा कि भैया चौधरी साहब आपकी वजह से हमें नई चीजों को सीखने मिली। तो जो आप लाइब्रेरी में एज ए लाइब्रेरियन, एज ए लाइब्रेरी, एज ए इंडिविजुअल जो काम कर रहे हैं, जो सेवा कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको बहुत जरूरी। फॉर एग्जाम्पल सोनू सूद है, सोनू सूद ने बहुत लोगों की हेल्प की घर पहुंचाने में, ठीक
ठीक है, अगर मीडिया कवरेज उनका नहीं देता, पता नहीं लगता लो, तो कैसे पता लगता है? सोनू सूद ने एक अच्छा काम किया। तो एज ए लाइब्रेरियन, एज ए लाइब्रेरी, एज ए लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेटर, एज ए इंसान, अगर आप कोई अच्छा काम करें तो लोगों को बताएं, बताना बहुत जरूरी है। तो मार्केटिंग भी बहुत जरूरी है। मार्केटिंग के कई तरीके हो सकते हैं और कई फायदे होते हैं मार्केटिंग से। अगर आप अच्छे मार्केटिंग गाय हैं और अच्छे सेल्स पर्सन हैं लाइब्रेरी के लिए, तो इसका मतलब आपकी जो एंड यूजर्स हैं वो आपकी रिसोर्सेज को ज्यादा यूज कर पाएंगे, आपकी लोगों से अच्छी पार्टनरशिप हो जाएगी। हो सकता है अथॉरिटी आपको अच्छी फंडिंग कर दे कि चलो भैया लाइब्रेरी बहुत अच्छा काम कर रही है, हमारा लाइब्रेरियन बहुत मेहनती और ईमानदार है, इसको पैसे दे दो, आपको डिसीजन लेने में आसानी होगी। और एक्सक्यूज मी, देयर इज अ डिस्टरबेंस फ्रॉम समवन, कैन प्लीज अनम्यूट ऑल ऑफ यू, प्लीज। संगीता सिंह, प्लीज म्यूट योर सिस्टम। संगीता सिंह, प्लीज म्यूट योर सिस्टम। ऑल आर रिक्वेस्टेड टू म्यूट योरसेल्फ एक्सेप्ट स्पीकर फॉर द टाइम बीइंग। एक्चुअली आई हैव अलाउड मेनी वन टू एडमिट, आई हैव एडमिटेड मेनी पीपल हु वर trying to log in, so that's my fault as well, so please mute yourself, okay। So bahut tarike hote hain marketing karne ke, like agar main IIT Delhi ki baat karu, hum log bhi bahut sari cheeze ki hai, humne jaise humne ek achhi interactive library website create ki, hum logo ne library app develop karai, hum social media ka acha use karte hain, library ka ek Twitter handle hai, ek Facebook page hai, okay। To please check who is disturbing। Sangeeta Singh, please mute your system। Sangeeta Singh, otherwise we have please. To remove, we have to remove that person। Sangeeta Singh, there is a disturbance from your end। Okay, I have muted Sangeeta Singh as a host। I'm sorry, I have to remove those who may be disturbing। Okay, may I continue? Hello? Yes, sir. Please continue. So I have the rights to mute those who are creating noise. So you can do a lot of work as far as marketing of resources, services and products are concerned. So you can do a lot of work, like you can create an interactive website like IIT Delhi has created using Drupal. You can develop a library app. You can make good use of social media. You can organize outreach programs like this webinar. You can create interactive OPEC like using Koha. You can start discovery services. You can display new arrivals. If you cannot display new arrival physically, you can organize online exhibition using Instagram or Facebook or your own website. You can provide news clipping and you can do a lot of other work which I will be sharing using screenshots. Okay, so even Ranganathan, the great Ranganathan shown the ways of how to reach to the people. Ranganathan ji, itne doordrashti thi unki, itne doordarshi the, कि उन्होंने उस टाइम में ही हमें कुछ इशारे कर दिए थे। अब ये आपके ऊपर है, आप उनके इशारों को समझ पाए नहीं समझ पाए, किस तरह से यूज करें। तो पहले जैसे हम कहते थे कि भाई बुक्स आर फॉर यूज, तो अभी अगर चाहे डिजिटल एज है, टाइम चेंज हो गया है, तो फिलोसफी तो रंगनाथन की ही काम कर रही है ना, आइडियाज तो उनके ही काम कर रहे हैं। अब आप कह दे रहे हैं लाइब्रेरी रिसोर्सेज आर फॉर यूज। पहले हम कहते थे कि लाइक एवरी बुक हिज रीडर और एवरी रीडर हिज बुक। तो इन दी सेम वे यू कैन से एवरी कस्टमर हिज हर लाइब्रेरी रिसोर्स और एवरी लाइब्रेरी रिसोर्स इट्स कस्टमर। सेव द टाइम ऑफ द कस्टमर, हम रीडर कहते हैं, कस्टमर कह सकते हैं क्योंकि हम उनको ऑनलाइन रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं, उनका टाइम बचे, हम उनको इस तरह से सर्च इंटरफेस दे रहे हैं। जैसे हम कहते थे लाइब्रेरी इज ए ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म, उसी तरह से रिसोर्सेज भी हमारी ग्रो कर रही हैं क्योंकि हम लोग ई बुक्स ले रहे हैं, हम लोग डेटाबेसिस ले रहे हैं। सो इसकी कोई अंत नहीं है। तो अगर आप उन्हीं 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस को अगर आप नए माहौल में इम्प्लीमेंट करें, तो आप उनको इस तरह से री इंटरप्रेट कर सकते हैं, लाइक ई रिसोर्सेज आर फॉर यूज और एवरी रीडर हिज हर ई रिसोर्स, एवरी ई रिसोर्स एनी ई रीडर, मतलब कोई भी ई रिसोर्स है उसके लिए पाबंदी नहीं होनी चाहिए आदमी ने कैसे पढ़नी है। वो मोबाइल पे भी पढ़ पाए, वो
आपका डेस्कटॉप पे भी पढ़ पाए, वो मान लिया किंडल पे भी पढ़ पाए या किसी और डिवाइस पे भी पढ़ जाए, तो हम उसका टाइम भी सेव करें और हम नई नई चीजें इवॉल्व कर रहे हैं डेली। और एक नया सिक्स एक्ट किया जेम्स रेटिग ने कि एवरी रीडर हिज फ्रीडम, मतलब अब हमें फ्रीडम होनी चाहिए। अगर हमारा लेट के पढ़ने का मूड है तो हम लेट के अपने किंडल पे या लैपटॉप पे या फिर मोबाइल पे पढ़ें, अगर हमें बैठ के पढ़ने का मूड है तो बैठ के पढ़ें, और हमें अगर लाइब्रेरी में आके पढ़ने का मूड है तो लाइब्रेरी में पढ़ें, और अगर लाइब्रेरी में नहीं पढ़ने का मूड है तो हम जहां से हमारा दिल चाहे हम पढ़ सकते हैं। ओके, सो देर कैन बी मेनी वेज ऑफ कन्वेइंग योर मैसेज टू द रीडर्स एज फार एज मार्केटिंग इज कंसर्न्ड। यू कैन कन्वे थ्रू पब्लिसिटी, यू कैन कन्वे थ्रू एडवर्टाइजिंग, यू कैन कन्वे थ्रू डायरेक्ट मार्केटिंग, यू कैन हैव वेरी गुड पब्लिक रिलेशंस, यू कैन हैव वेरी गुड सोशल मीडिया रिलेशंस, यू कैन डू वन टू वन पर्सनल सेलिंग एज वेल, एंड दीज आर सम ऑफ द वेज हाउ यू कैन कन्वे योर मैसेज एज फार एज मार्केटिंग ऑफ लाइव रिसोर्सेज सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स आर कंसर्न्ड। एडवर्टाइजिंग आप कैसे कर सकते हैं, बैनर, पोस्टर, प्रेजेंटेशन, फ्लायर, बुकमार्क्स, ब्रोशर के थ्रू कर सकते हैं, डायरेक्ट मार्केटिंग ईमेल मैसेज के थ्रू कर सकते हैं, स्पेशल सेक्शन क्रिएट कर सकते हैं वेबसाइट में, वेबिनार्स कर सकते हैं, पोस्टर्स इन सेलेक्टेड स्पॉट्स लगा सकते हैं, पर्सनल सेलिंग में लाइक लाइब्रेरी ग्रीट्स, जब नए यूजर्स आते हैं लाइब्रेरी में उनको अच्छे से हम ग्रीट कर सकते हैं, कियोस्क लगा सकते हैं, प्रेजेंटेशन दे सकते हैं ग्रुप ऑफ फैकल्टी को और ग्रुप ऑफ स्टूडेंट को, हम लोग सर्वे कर सकते हैं लोगों को इंटरेस्ट जानने के लिए, सोशल मीडिया का अच्छा यूज कर सकते हैं और कॉलम्स लिख सकते हैं कैंपस पेपर्स में, लोकल पेपर्स में, और नोटिसेस इन प्रोफेशनल पब्लिकेशन। तो ये थोड़ी सी चीजें, ये जस्ट मैंने कहा कि इस लेक्चर में आपको मैं बहुत सारी चीजों के बारे में थोड़ा थोड़ा बताऊंगा, ताकि कल को आप इंटरव्यू में अगर जाते हैं या इंटरव्यू लेने जाते हैं तो आप कह पाए कि हाँ सर हमने इसके बारे में थोड़ा सा हम ये जानते हैं, सामने वाले को ये ना लगे कि इसने सुना ही नहीं है ये वर्ड। तो आप इसको जिस चीज में आपको ज्यादा इंटरेस्ट लगे आप इसको बाद में एक्सप्लोर कर सकते हैं इसको। सो लाइक मैं आपको कुछ एग्जांपल दूंगा, मैं एज ए यूनिवर्सिटी लाइब्रेरियन था अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का, आप जानते हैं बहुत बड़ा सिस्टम है, एशिया का सेकेंड लार्जेस्ट लाइब्रेरी सिस्टम है, इंडिया का सबसे बड़ा लाइब्रेरी सिस्टम है, 110 के करीब लाइब्रेरीज हैं बिहार में, बंगाल में, केरला में इनके कैंपस हैं। तो एक बहुत बड़ा लाइब्रेरी सिस्टम था और बहुत पावरफुल पोजीशन है इंडिया के हिसाब से, लेकिन ठीक है, मतलब मैं अपने पर्सनल रीजन की वजह से आई टी दिल्ली में आया वापस, और ये भी उतना ही बढ़िया सिस्टम है। तो मैंने जो आई टी दिल्ली में और एएमयू में जो मैंने एक्सप्लोर की चीजें, और एज ए टीम आप हमेशा ये याद रखें, जब भी आप कोई काम कर रहे हैं कहीं पे आप ये ना कहें कि मैंने किया है, मैं कोच नहीं कर सकता, एक टीम होती है, कई बार क्रेडिट आपको मिल जाता है। तो आप ये थोड़ा सा बताएं लोगों को, मैंने भी ये बताने की कोशिश की कि भाई स्क्रीनशॉट्स की हेल्प से कि हम लोग क्या क्या अच्छे काम कर सकते हैं। ये जो मैं स्क्रीनशॉट आपको दिखा रहा हूँ इसका मतलब आप ये ना निकालें कि मैं कुछ पब्लिसिटी कर रहा हूं, मैं ये बताना चाहता हूं कि बड़ी आसानी से कुछ काम किए जा सकते हैं, कुछ में फाइनेंसेस की जरूरत होती है वो थोड़ा सा मुश्किल है, बट वो भी एक्सप्लोर किया जा सकता है। जैसे हम लोगों के यहाँ आई टी दिल्ली लाइब्रेरी में जब ये डेटा सेंटर बना जिसका नाम बादल है, तो हमारा ग्राउंड फ्लोर ले लिया गया, तो हम लोग बहुत परेशान थे, अभी भी कुछ इश्यूज हैं, लेकिन देखिए हमारा फ्लोर भी एकदम रेनोवेट हो गया, कितनी पहले इस तरह की फैसिलिटीज थी अभी देखिए कितना बढ़िया हो गया है। तो आपको थोड़ा सा जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है उसको अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करने की कोशिश करें। जैसे हमारे मोदी जी ने कहा वोकल फॉर लोकल, अगर हमें एक पेंडेमिक की वजह से प्रॉब्लम आ रही है तो हमें एक अपॉर्चुनिटी भी तो मिली कि हम अपने देसी प्रोडक्ट्स को, अपनी चीजों को प्रमोट करें, उनसे मैनेज करें। उसी तरह से देखिए पहले हमारे ये इस तरह के शेल्फ्स थे, अभी देखिए कितना अच्छा हमारा शेल्फ और ये सब कुछ हो गया है। इसी तरह से डिजिटाइजेशन नहीं हुआ था तो हमने बहुत अच्छे से डिजिटाइजेशन किया, और ये फंडिंग का कोई इशू नहीं, आपको इन्फिनेट फंड कर सकता है, यूजीसी फंड कर सकता है इन कामों के लिए। तो टू प्रोमोट एंड स्ट्रेंथन द लाइब्रेरी सिस्टम एंड अवर पोजीशन इन आईटी दिल्ली, हमने बहुत सारे इनिशिएटिव लिए हमारी टीम ने, आईटी दिल्ली की टीम ने। मैं बड़े फख्र के साथ कह सकता हूँ कि आईटी दिल्ली में इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट टीम ऑफ ऑफिसर्स है। हम सारे यंग हैं, ओल्डेस्ट मैं ही हूँ, तो आप समझ लिए अगर मैं ओल्ड हूँ तो मेरे लोग कितने यंग होंगे। हमारे पास जितने ऑफिसर हैं हाईली टैलेंटेड, हाईली मोटिवेटेड,
और एकदम यंग है, तो हमने देखिए इतना कुछ मतलब कम टाइम में इतना कुछ किया। अभी हमारी लाइब्रेरी में कोई भी सर्विस जो है सर्वर में नहीं है, सारा कुछ हम लोग क्लाउड पे माइग्रेट कर गए हैं। इवन हमारा जो इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम है लिप्सिस, वो भी क्लाउड पे चल रहा है, तो हमें कोई टेंशन ही नहीं है। लाइब्रेरी खुली हो बंद हो, बैकअप लेना है, एसी बंद हो गया, सर्वर उड़ गया, सब कुछ मैनेज हो रहा है। तो इस ये जो एक लिस्ट है जो हम लोगों ने किया यहाँ पे, इसको आप एक मॉडल लिस्ट समझ के आप लोग भी ये सब काम कर सकते हैं। लाइक हमने जैसे सेंट्रल लाइब्रेरी की वेबसाइट ये द्रुपल पे बनाई है हमारी टीम ने कंप्यूटर एप्लीकेशन डिवीजन की, तो इसमें एक सर्च बॉक्स आपको मिलता है, तो आप इसको द्रुपल को ट्राई करें, ये बहुत अच्छी सर्विस है। उसी तरह से जैसे अभी कोविड की सिचुएशन चल रही है, तो ज्यादातर पब्लिशर ने बहुत सारी रिसोर्सेज फ्री कर रखी हैं। इवन एल्सवियर ने, स्प्रिंगर नेचर ने, एमराल्ड ने, सेज ने, इतनी बढ़िया बढ़िया, आप उन रिसोर्सेज का लिंक दे दें अपनी वेबसाइट से, जैसे हमने ये लिंक दिए हुए हैं, जैसे हमने आप देखिए लिंक दिए हुए, तो इस तरह के लिंक दे दें, आप लोगों को बताएं कि भैया ये रिसोर्सेज बड़ी यूजफुल हैं, और आपके लोगों को जो उन रिसोर्सेज में से काम का लग रहा है वो डाउनलोड करके रख लें एज पर पब्लिशर पॉलिसी, ताकि फ्यूचर में अगर एक्सेस नहीं है तो उसका फायदा उठाएं। तो आप बहुत सारी स्मार्ट लाइब्रेरी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं अगर आपको स्मार्ट लाइब्रेरियन बनना है। जैसे कि आप सोशल नेटवर्किंग का पॉजिटिव यूज कर सकते हैं, जैसे कि यूट्यूब चैनल बना सकते हैं आप व्हाट्सएप का, जैसे सारा जो भी हमें ऑफिशियल कम्युनिकेशन करना होता है आईटी दिल्ली लाइब्रेरी का, हम लोग व्हाट्सएप पे ही डालते हैं। हम कैसे करके हर आदमी तक पहुंचे, हम लोग ऑफिस ऑर्डर, ड्यूटी रोस्टर सब डालते हैं, हमारा अपना फेसबुक पेज है, हमारा एक ट्विटर हैंडल है, तो ये सब चीजें हम लोग बड़े अच्छे से करते हैं और आप भी कर सकते हैं, इसमें कोई खर्चा नहीं है। जैसे कि ये यूट्यूब चैनल है, इस तरह से आप भी यूट्यूब चैनल अपना बना सकते हैं। उसी तरह से अपनी लाइब्रेरी में हरे भरे प्लांट रख लें, ज्यादा कुछ नहीं कर सकते तो जैसे कि हमने रखे हुए हैं, और किसी को अच्छी अपॉर्चुनिटी है तो वो ज्यादा हरी भरी भी कर सकता है लाइब्रेरी अपनी। उसी तरह से अगर आपके पास कुछ जैसे कि ये वेबिनार के आपके पास चौधरी साहब अच्छे वीडियोस हो जाएंगे, या आप अपने वीडियोस जो है कॉलेज की वेबसाइट जो है, जो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है, उस पर लिंक दे दें। देखिए हमारी कंप्यूटर एप्लीकेशन डिवीजन ने कितना बढ़िया काम किया है, ये टॉपिक दे दिया, ये नाम दे दिया, ये वीडियो लिंक दे दिया, पीडीएफ फाइल पीपीटी भी दे दी, तो लोगों को सीधे YouTube पे जाने की जरूरत नहीं, वो लाइब्रेरी की वेबसाइट पे आ जाएगा और सीधे के सीधे रिसोर्सेज को एक्सेस कर लेगा। उसी तरह से जो इन्फ्लिपनेट है, उसने एक डेटाबेस बनाया हुआ है विद्वान करके, अगर आप अपनी सारी फैकल्टी का डेटा उसमें डलवा दें विद्वान में, तो उसको अगर एक फैकल्टी प्रोफाइलिंग सिस्टम जैसे स्कोपस है, उसी तरह से IRNS करके है जो इन्फ्लिपनेट के पास प्रोजेक्ट है, उससे अगर लिंक कर देंगे तो आपके सारा डेटा जो है एच इंडेक्स और सब कुछ जो है, यहाँ आपकी सिर्फ इंस्टीट्यूट या कॉलेज का ही दिखेगा, स्कोपस में तो आपको ढूंढना पड़ता है, ये फ्री है, आपको जस्ट इंटीग्रेट कराना और डेटा विद्वान में डालना है। तो अगर फॉर एग्जांपल मैं देखना चाहता हूँ कि सेंट्रल लाइब्रेरी आई टी दिल्ली का क्या एच इंडेक्स है, या मान लिया इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का क्या एच इंडेक्स है, तो मैं यहाँ देख सकता हूँ, ये आपको स्कोपस में नहीं दिखेगा, और आपकी टॉप फैकल्टी का फोटो भी यहाँ डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है, आपको उनके नंबर ऑफ पेपर्स, साइटेशन, एच इंडेक्स, और इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये सीधे के सीधे बेसिकली आपकी जो ऑर्सेड आईडी है या स्कोपस आईडी है या आपका वेब ऑफ साइंस का आईडी है, गूगल स्कॉलर आईडी है, इसको हमने लिंक किया हुआ है, हमने कुछ नहीं किया, हमने सिंपली इसको लिंक कर दिया है और ये अपने आप डेटा फेच कर रहा है, तो आपको ये रेडिली अवेलेबल ले रहा है कि नवीएसएन का एच इंडेक्स क्या है, उसके पब्लिकेशंस कितने हैं, ठीक है, और सब कुछ, और देखिए कितना अच्छा ग्राफ जनरेट हो रहा है ऑटोमेटिकली कि इनका कितने ऑथर के साथ पब्लिकेशन है, किस किस के साथ कितने पब्लिकेशन है, किसके साथ क्या कोलेबोरेशन है, तो ये सारी चीजें फ्री हैं, सिर्फ आपको एक्सप्लोर करने की जरूरत है। तो जो आपके पास ई रिसोर्स या दूसरी चीजें हैं, आप उनको बढ़िया से लिंकिंग कर दें अपनी वेबसाइट से, लोग आसानी से यूज कर सकते हैं। जैसे आई टी दिल्ली की इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्स डिवीजन ने ये अच्छे से सारी चीजों का लिंक दिया हुआ है, चाहे वो ई जर्नल की बैक फाइल्स हैं, चाहे जो ई बुक्स है, जो हमारी ये कलेक्शन डेवलपमेंट डिवीजन है, उसने ये सारा ई बुक्स का लिंक दिया हुआ है। उसी तरह से जो आपका ओपेक है, ओपेक के साथ आप अपनी फुल टेक रिसोर्सेज को लिंक करते हैं। फॉर एग्जांपल आईटी दिल्ली का पीएचडी थीसिस है, वो आईआर में भी मिलेगा, लेकिन हमने ओपेक से भी लिंक कर दिया है। अगर कोई हमारा ओपेक सर्च कर रहा है तो उसको पता लग जाएगा कि भैया ये एक पीएचडी थीसिस है, इसका फुल टेक्स्ट भी अवेलेबल है, तो ये पीडीएफ फाइल का लिंक आ गया, इसको क्लिक करेगा और सीधे फुल टेक्स्ट पे पहुंच जाएगा। ये हमारा इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी का वेब पेज है, डी स्पेस यूज करते हुए।
उसी तरह से आईआईटी दिल्ली का जो कलेक्शन डेवलपमेंट डिवीजन है जिसके विजय वर्मा इंचार्ज हैं, तो उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया, उन्होंने ऑनलाइन बुक रिकमेंडेशन सिस्टम शुरू कर दिया है। मान लिया आपका प्रिंटेड कोई रिकमेंडेशन नहीं आ रहा है, प्रॉब्लम हो रही है, तो फैकल्टी ऑनलाइन रिकमेंड कर सकता है किताब, वो हेड के हेड उसको अप्रूव करेगा ऑनलाइन, फिर वो लाइब्रेरी के पास आ जाएगी। तो ये सब हमारी जो कंप्यूटर की टीम है, लाइब्रेरी की टीम है, इन्होंने मिलके किया, इसमें कोई फाइनेंस इन्वॉल्व नहीं है, थोड़ा सा इनिशिएटिव लेने की बात है। आप एक न्यूज क्लिपिंग शुरू कर सकते हैं जैसे आईटी दिल्ली ने किया, हम पहले डेली प्रोवाइड करते थे फिर वीकली, अब मंथली कर रहे हैं। तो ये सारे फ्री न्यूज़पेपर और गूगल वगैरह से सर्च करके आरएस फीड के थ्रू, इससे आपकी अहमियत बहुत बढ़ जाएगी। आपका वाइस चांसलर, आपका प्रिंसिपल घर से बाहर होंगे, उनको डेली न्यूज क्लिप फ्री मिलेगी पीडीएफ में, ईमेल में, मोबाइल में, कितने खुश हो जाएंगे। इसमें आपका कोई खर्चा नहीं, एक आध घंटा आपको डेली लगाना पड़ेगा। लाइक पहले हम लोग मैगजीन क्लिप भी देते थे, अभी नहीं देते क्योंकि 2016 में जब मैं एमयू चला गया तो ये बंद हो गई थी, लेकिन आप लोग जो इंडिया टुडे, दूसरी जो बहुत सारी फ्री मैगजीन्स हैं, ठीक है, उनसे कंटेंट डाउनलोड करके वर्ड की फाइल में पेस्ट कर दें, उसको सेव एज पीडीएफ करें और शेयर कर लें। जैसे इंस्टीट्यूट का जो एक न्यूज लेटर था बिटवीन दी लाइन, आईटी दिल्ली की लाइब्रेरी ही उसको चलाती थी, आप देख सकते हैं ये अभी तो एक प्रोफेशनल तरीके से चलता है। तो इससे आपकी अहमियत बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, आपको यकीन नहीं होगा इस छोटे से काम के लिए जो चेयरमैन बोर्ड ऑफ गवर्नर हैं और जो मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी के सेक्रेटरी थे मिस्टर आरपी अग्रवाल, उन्होंने मुझे अप्रिसिएशन इशू किया था कि भाई आपने ये बहुत अच्छी सर्विस शुरू की। तो ये आप कर सकते हैं। अब तो इंस्टीट्यूट जैसे न्यूज़लेटर निकालती है, ठीक है, अलुमनाई अफेयर्स जो हमारा है वो भी न्यूज़लेटर निकालता है, और आईटी दिल्ली की सेंट्रल लाइब्रेरी न्यूज़ क्लिप निकालती है। इसमें से जो सर्विस आपको शुरू करनी है कर सकते हैं, आप शुरुआत तो करें, क्या दिक्कत है, आप वीकली शुरू करें, मंथली करें या डेली करें। आप छत्तीसगढ़ से में जो भी एजुकेशन पे काम हो रहा है, इंस्टीट्यूशन पे काम हो रहा है, एमएचआरडी का स्टेटमेंट है, यूजीसी से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है, उस सबको एक वर्ड की फाइल में पेश कर दें, इस तरह से एक लिंक दे दें, सेव एज पीडीएफ करें, लोगों के साथ शेयर कर लें। उसी तरह से अगर कोई काम के वीडियो हैं, आप इस तरह से लिंक दे दें, जैसे एनपीटेल पे बहुत सारे अब आईआईटीज हैं, आईआईटीज में हर बच्चा तो पढ़ नहीं सकता, लेकिन हर बच्चे का इतना हक तो बनता है ना कि उनके वीडियो देख पाए, तो इस तरह से आप लिंक दे दें उनके वीडियो को। तो ये बहुत ही आसान काम है। उसी तरह से जो न्यूली अराइव बुक्स हैं, आप उनको डिस्प्ले नहीं कर पा रहे हैं, कोविड की सिचुएशन है, तो आप अपनी लाइब्रेरी की साइट से लिंक दे दें कि भैया ये किताबें हैं जो लाइब्रेरी में पिछले एक दो महीने में प्रोसेस हुई है या हमने रिसीव की है, ठीक है। उसी तरह से स्कोपस के जो APIs हैं वो फ्री हैं, आप अपनी वेबसाइट से लिंक कर दें उसको इस तरह से, ठीक है। तो जो भी पेपर आपकी इंस्टीट्यूशन का एड होगा स्कोपस में, उसका इस तरह से डिस्प्ले हो जाएगा, साथ साथ आपकी फैकल्टी खुश हो जाएगी, मजा आ जाएगा उनको। उसी तरह से आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं पीडीएफ में, लाइक आपकी एनुअल रिपोर्ट है, आपकी मंथली मीटिंग है, आपके वेबिनार की पीडीएफ है, कुछ भी क्वेश्चन पेपर्स हैं, आप उनको सारे को स्कैन और पीडीएफ बना के इस तरह से अपलोड कर दें या लिंक कर दें उनको, कितना आसान हो जाएगा लोगों के लिए। आप फ्री बैठे बैठे इतनी इज्जत कमा सकते हैं। आपकी फैकल्टी के पब्लिकेशंस हैं, उनको लिंक कर दें। उसी तरह से आपने कोई हैंडबुक या पाम्पलेट या ब्रोशर बनाया हुआ है, इन्होंने पांडे जी ने तो बहुत अच्छे अच्छे ब्रोशर बनाए हुए हैं, इन्होंने मुझे भी दिए थे जब मैं गया था वहां पे, तो ये इसको वेबसाइट पे भी अपलोड कर दें। इससे आपका नाम भी होगा, आपको क्रेडिट भी मिलेगा, और अगर आपने मान लिया एक ISBN नंबर ले लिया जो आजकल फ्री मिल जाता है ऑनलाइन, तो आपके अकाउंट में एक एडिटेड बुक भी चली गई। देखिए हमने कंपाइल की, हमने सारे जो भी हमारे कोलिग थे उनका सबका नाम दे दिया, तो एक बुक भी हो गई, एक काम का डॉक्यूमेंट भी बन गया। तो अगर आपके पास पैसा है तो आप सेल्फ सर्विसेज भी शुरू कर सकते हैं, लाइक RFID, लेकिन ये जो बहुत बड़ी लाइब्रेरी है वो शुरू करें, जहां बहुत कम ट्रांजेक्शन होता है उनको ये सब करने की जरूरत नहीं है। उसी तरह से आप एक गैलरी क्रिएट कर लें, जैसे कि आपने इतने अच्छे अच्छे वेबिनार किए, अच्छे अच्छे आपने स्क्रीन शॉट लिए होंगे और सारी चीजें की होंगी, तो ये आप गैलरी में सारी चीजें दे सकते हैं, ठीक है। उसी तरह से अगर आपके पास ईमेल सिस्टम है, ग्रुप मेल, जैसे आईआईटी दिल्ली में है कि हम ऑल फैकल्टी, ऑल स्टाफ, ऑल स्टूडेंट को एक साथ एक सिंगल गो में मेल भेज सकते हैं, तो उससे क्या हम आसानी से कन्वे कर सकते हैं कि हम क्या करने जा रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से इशू रिटर्न जो भी हो रहा है, आप उस सॉफ्टवेयर में मैप कर सकते हैं कि ऑटोमेटिकली एक ईमेल चला जाएगा कि भैया ये किताब आपके नाम इशू हो रही है। तो इस केस में अगर मान लिया कुछ किसी ने गलत, आपके रूम पार्टनर ने बुक इशू करा ली या कुछ और कर लिया,
तो आपको पता लग जाएगा भैया आपके काम नाम में किताब इशू होगी, इसको चेक कर लो। जैसे कि बैंक से कोई ट्रांजेक्शन होता है आपको अलर्ट आता है, तो उसी तरह से कोहा के साथ आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। आप अपनी फैकल्टी को कुछ रिसर्च सपोर्ट सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं कि लाइक डेटा कैसा एनालिसिस करते हैं, ठीक है। उसी तरह से आप आस्क द लाइब्रेरियन सर्विस एक शुरू कर सकते हैं, लाइक ये फ्री एप्स हैं, आप एक इंटरफेस देख सकते हैं चैट करने का, जैसे कि आप ई कॉमर्स की साइट पे अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे चैट करते हैं। उसी तरह से आपके पास अगर सर्वर नहीं है, इंटरनेट की स्पीड ठीक है, तो आप ये भी कर सकते हैं कि बहुत सारी साइट्स हैं जो आपको फ्री स्पेस क्लाउड पे प्रोवाइड करेंगे। देर आर गवर्नमेंट साइट्स एज वेल लाइक बादल विच कैन प्रोवाइड यू फ्री स्पेस, यू कैन ट्राई। तो इसी के तरह जिस तरह आपके यूजर आपके पास नहीं आ सकते तो आप उनको रिमोट के थ्रू एक्सेस दे दें, जैसे कि इन्फिनिटनेट के शिबोले के थ्रू एक्सेस है, इसमें हमारा कोई खर्चा नहीं हुआ, इन्फिनिटनेट ने हेल्प की। ओके, तो बहुत सारी चीजें, अब जैसे हम कुछ अच्छे काम कर रहे हैं डिपेंड करता है, जैसे आईआईटी दिल्ली में तो पब्लिसिटी करना अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन एएमयू के कुछ फोटोग्राफ्स हैं, आप कुछ अगर अच्छा कर रहे हैं और सोशल मीडिया के थ्रू नहीं पहुंच पा रहे हैं, या आपको लग रहा है बहुत सारे लोग न्यूज़पेपर के थ्रू पहुंच पाएंगे, तो आप उसको थोड़ा सा मीडिया में कवरेज भी करा सकते हैं। जैसे कि एक रेवर गंगा रिपोजिटरी हमने बनाई थी, उसका हमने कवरेज मीडिया में दिलाया था, या जैसे हमने लाइब्रेरी म्यूजियम क्रिएट किया, ये बराक ओबामा के हमने एडवाइजर को इनॉग्रेट करने बुलाया था क्योंकि हमारे एलुमनाई थे। तो इस तरह से अगर कोई मीडिया वाले आपके पास आ रहे हैं इंटरव्यू लेने के लिए, तो किस तरह से उनको हैंडल करना है वो आप थोड़ा सा देखें। और सबसे बड़ी बात होती है, अगर यूजर आपकी तारीफ करते हैं सबसे ज्यादा आपको खुशी तब होती है। जैसे ये लड़की है जिसने की आईएएस क्लियर किया था अलीगढ़ से, वैशाली करके, तो इसने जब ये कहा कि मौलाना आजाद लाइब्रेरी का मेरी सफलता में अहम रोल, तो हमें बहुत खुशी हुई। उसने कहा कि भाई लाइब्रेरी में मैं पढ़ती थी, लाइब्रेरी ने मुझे सपोर्ट दिया, माहौल दिया, इसलिए मैं आईएएस बन पाई। तो आपका दिल गदगद हो जाता है। तो आप लोगों को इस तरह से, उसी तरह से अगर आप इंस्टीट्यूशन की बिल्डिंग में अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं, तो आप देखो लाइब्रेरियन को भी अहमियत मिलती है। यहाँ पे एक करंट वाइस चांसलर हैं, एक ये फॉर्मर वाइस चांसलर है, यहाँ लाइब्रेरियन को भी स्पेस दिया गया, क्योंकि आप अगर कुछ आउट ऑफ बॉक्स करने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको अहमियत मिलेगी, आपकी बात सुनी जाएगी, क्योंकि आप अपने खुद के लिए कुछ थोड़ी कर रहे हैं, आप तो इंस्टीट्यूशन के लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कुछ फोटोग्राफ्स हैं जो हम लोगों ने एज ए एमयू लाइब्रेरियन काम किए। तो इस तरह से आप एक गैलरी बना के रखें, लोगों के साथ शेयर करें, लोगों को बताएं लाइब्रेरी क्या अच्छा काम कर रही है, उसमें से मैं को हटा दें, मैं क्या अच्छा काम कर रहा हूँ, लाइब्रेरियन क्या अच्छा काम कर रहा है, आप बोलें लाइब्रेरी क्या अच्छा काम कर रही है, उससे आपको जो है काफी अहमियत मिलेगी, और जरूरत के हिसाब से आप कवरेज भी दें। तो कई बार आपको इतनी ज्यादा अहमियत मिलेगी आपको सरप्राइज हो जाएंगे, लाइक आई वॉज आस टू रिप्रेजेंट दी ऑनरेबल वाइस चांसलर ऑफ एमयू इन मॉरिशस, तो वाइस चांसलर के बिहाफ पे मैंने प्रेजेंटेशन मॉरिशस में जाके दिया, जो कि एक बहुत बड़ा ऑनर था। तो ये सब तभी पॉसिबल है जब, अब ये देखिए यूजीसी की 2017 में टीम आई थी एमयू में, जब मैं यूनिवर्सिटी लाइब्रेरियन था, उन्होंने कमेंट लिखा वन ऑफ द बेस्ट लाइब्रेरीज ऑफ द वर्ल्ड, यूजीसी ऑडिट टीम 2017। तो बंधु ये जो है ओवरनाइट नहीं हो जाता, आपको आपको कंसिस्टेंट एफर्ट्स करने पड़ते हैं। और देखिए इस पे ट्रिप एडवाइजर पे रेटिंग भी अच्छी है लाइब्रेरी की। तो इस तरह से अगर आप अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, डिजिटल साइनेज क्रिएट कर रहे हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन की लिस्ट दे रहे हैं, वर्चुअल लाइब्रेरी टूर क्रिएट कर रहे हैं, स्टेटिस्टिकल सर्विसेज दे रहे हैं, अल्टीमेट्रिक सपोर्ट दे रहे हैं, क्यूआर कोड लगा रहे हैं, या मेकर स्पेसेस क्रिएट कर रहे हैं, या आपके पास पैसा है आप अच्छा रीडिंग स्पेस लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, या बढ़िया लैब प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। इवन मैंने रायपुर में पांडे जी का देखा, बहुत अच्छा लैब है, या बेचारा कोई हैंडीकैप है उसको आप सपोर्ट दे रहे हैं, या एग्जीबिशंस रेगुलरली कर रहे हैं। तो लाइक ये आपकी स्क्रीनशॉट है, अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, लाइक वेबिनार कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो है ना लाइब्रेरियन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और आप हर जगह आप अपनी फैकल्टी को, दोस्तों को समझाएं कि भैया आप वेबसाइट क्रिएट करो, आप अपनी इंस्टीट्यूट का पेज क्रिएट करो, रिसर्च गेट पे आ जाओ, ऑर्सिड आईडी बनाओ, विद्वान आईडी बनाओ, आप डिफरेंट ये सर्विसेज यूज करो, आपकी विजिबिलिटी बढ़ेगी। जैसे आप नवी हसन टाइप करोगे गूगल पे तो आपको मेरे हिट्स मिल रहे हैं, क्यों, क्योंकि मैं हर जगह पे अपनी प्रोफाइल बना रखी। तो ये सब फ्री है, अगर इस तरह से आप करेंगे तो ऑब्वियसली आपको बहुत ज्यादा अहमियत मिलेगी, चाहे वो आप अपनी फैकल्टी को प्लेजरिज्म में सपोर्ट करें या दूसरा काम करें। तो जो लोग इंग्लिश ठीक से नहीं लिख पाते, फ्री इंग्लिश करेक्टिंग सॉफ्टवेयर लाइक जिंजर, और हम लोग तो खैर ग्रामरली यूज करते हैं,
तो इस तरह से अगर आप ये सारे काम कर रहे हैं तो कुछ भी कर सकते हैं। तो इन सारी चीजों को जैसे कुछ लोग बहुत हल्ला करते हैं कि क्या लाइब्रेरियंस की जरूरत है, सारा काम तो कंप्यूटर वाले आईसीटी वाले करते हैं। तो मैं कह रहा हूँ हाँ, लाइब्रेरियन की जरूरत है, लाइब्रेरीज की भी जरूरत है और हमेशा रहेगी। फॉर एग्जाम्पल आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपका ब्लड टेस्ट कराता है, यूरिन टेस्ट कराता है, स्टूल टेस्ट कराता है, आपका एमआरआई भी करा लेगा, सीटी स्कैन भी करा लेगा, लेकिन क्या इलाज अपने आप तो शुरू नहीं हो जाएगा ना। इलाज ये सारी रिपोर्ट इकट्ठी करके डॉक्टर फिर आपको दवा रिकमेंड करेगा कि आपको ये प्रॉब्लम है और ये आपकी रिपोर्ट्स ये कह रही हैं, ठीक है। इसी तरह से लाइब्रेरी की जरूरत कभी भी खत्म नहीं होगी। आपको रिसोर्सेज गूगल पे मिल सकती हैं, कंप्यूटर वाले आपको इंस्टॉलेशन में हेल्प कर सकते हैं, लेकिन ये लाइब्रेरियन ही है जो आपको सही रिसोर्सेस और सही तरह से गाइड करेगा। तो लाइब्रेरियन की जरूरत कभी भी खत्म नहीं होगी। आप लोग हौसला रखें, थोड़ा सा अपने आपको एक्टिव रखें। आप देखिए लैंकास्टर ने कितने पहले कहा था और दूसरे लोगों ने कितने पहले कहा था कि भाई डिजिटल लाइब्रेरी या लाइब्रेरीज विदाउट वॉल्स होंगी, नहीं हुई ना। आज भी लाइब्रेरी की वही अहमियत है, लेकिन आपको अपनी अगर अहमियत बना के रखनी है तो आपको एक्टिव सर्विसेज प्रोवाइड करनी पड़ेंगी। ये मैं आपको इसके साथ एक जोक के साथ खत्म करूंगा, ये डॉक्टर अरोरा की स्लाइड से लिया है कि अगर आप बहुत ज्यादा स्मार्ट लाइब्रेरियन है तो आप सिचुएशन को कैसे हैंडल कर सकते हैं। एक लड़की है जो अपने डैड से कहती है, डैडी मुझे एक लड़के से प्यार हो गया है जो आईटी दिल्ली में है और मैं एमआईटी यूएसए में हूँ, हम दोनों दोस्त व्हाट्सएप पे बने, उसके बाद हमने एक दूसरे को स्काइप पे देखा और उसके बाद हमने एक दूसरे को गूगल डुओ पे प्रपोज किया, मुझे आपकी आपका आशीर्वाद चाहिए उससे शादी करने के लिए। पिता जो कि बहुत ही स्मार्ट लाइब्रेरियन है पांडे जी जैसा, वो क्या कहता है, ओके ओके मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ट्विटर पे शादी कर लो, टैंगो पे फन करो और बच्चे आप जो है ईवे से डिलीवर करो और डिलीवर गेट योर किड्स फ्रॉम ईवे के थ्रू आप बच्चे पाओ और डिलीवर करो ड्रॉप बॉक्स से। हाँ और बेटा अगर आपका दिल भर जाए, अगर आप थक जाओ उस बंदे से तो ओएलएक्स पे उसको बेच दो। तो अगर आप स्मार्ट लाइब्रेरियन है तो आप दुनिया को इस तरह से अपने आप को सेल कर सकते हैं, मार्केट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। हेलो, थैंक यू स्पेशली, थैंक यू डॉक्टर नबी हसन सर, नाइस प्रेजेंटेशन एंड स्पेशली नाइस एक्सप्रेशन टू इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। वी आर ऑल आर थैंकफुल टू योर वंडरफुल प्रेजेंटेशन। एज यू नो Dr. Navi is the youngest librarian, and the other thing is he is my associate for last 2 decades. He is doing lot of work, not only Aligarh Muslim University, as you know, IIT Delhi. Especially unka thanks karunga, wo yahan pehle humare apne Chhattisgarh mein aaye hue hain, aur na keval Chhattisgarh mein aaye, inhone apni library, especially IG ki bhi library ghumne aaye hue the. Main unka again thanks karunga ki itne saral tarike se, itne sulabh tarike se inhone public sab को हम सभी लोगों को वो इम्प्रेस किया, ना केवल इम्प्रेस लोगों को बूस्ट किया। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और देन सिंपली मैं बोलना चाहता हूँ ऑल आर द पार्टिसिपेंट्स एंड अदर पार्टिसिपेंट्स एंड आई एम ऑडिबल। हेलो, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, नो डाउट दिस वेबिनार इज सक्सेस बिकॉज विदाउट टेक्नोलॉजी वी कांट सर्वाइव। मैं अगेन एंड अगेन फिर से बोल रहा हूँ आप लोगों को, अपने साथियों को, सबको समझा रहा हूँ। आप लोगों ने बहुत अच्छा है, पिछली बार आपने देखा आपने कोहा के बारे में डॉक्टर त्रिपाठी को बुलवाया, जिन्होंने आपको बताया कि किस तरीके से हम इनिशिएट करके आगे बढ़ सकते हैं। कल हमने आपका डॉक्टर त्रिपाठी BHU का भी लेक्चर सुना कैसे डिजिटल कंटेंट कर सकते हैं, और आज तो ट्रेमेंडस आपकी खुद की लैंग्वेज में नबी हसन साहब ने बता दिया कि क्या क्या कर सकते हैं, आप कैसे कर सकते हैं, मार्केटिंग कर सकते हैं, ऐप्स बना सकते हैं, आप जितना आप हो सकता है लाइब्रेरी में। लेकिन साथ साथ हमको खुद को अपडेट होना पड़ेगा, हमको खुद को अपनी चीज मार्केटिंग भी करना पड़ेगी, विदाउट वी कांट सर्वाइव। एक और चीज मैं जो आपसे बोलना चाहता हूँ, लास्ट में आपने हमको किया, वी कांट सर्वाइव विदाउट टेक्नोलॉजी। आप बिल्कुल, हमको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, हमारे नए पुराने से कुछ नहीं होता। पुराने साथियों से भी हमारा रिक्वेस्ट है, नए साथियों से भी रिक्वेस्ट है। कोविड के पीरियड में हम टोटली हमारा एजुकेशन सिस्टम बंद हुआ है, ना केवल एजुकेशन सिस्टम बल्कि लाइब्रेरी सर्विसेज व्यक्ति, हमको अपना रास्ता निकालना पड़ेगा, हमको अपनी एग्जिस्टेंस सिस्टम में शो करना ही पड़ेगी। आज हम देख रहे हैं क्या हो रहा है,
यूज ऑफ ई रिसोर्सेज बढ़ रहे हैं, इम्प्रूवमेंट ऑफ ऑनलाइन रीडिंग हैबिट लोगों में बढ़ रही है, लोग क्या कर रहे हैं सोशल, ये आपके सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं, स्टूडेंट्स कॉन्टैक्ट ईमेल वगैरह के थ्रो कर रहे हैं। हम सबको क्या करना चाहिए ड्यूरिंग इस पीरियड में, हमको लोगों को अपनी सर्विसेज उनके डोर स्टेप तक पहुंचाना है। समय इज टाइम इज ओवर, अब वो समय नहीं बचा हुआ है, हमको इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्स की तरफ उनको अपडेट करना है, उनको फिजिकल रीडिंग की अपेक्षा उनको आपका इलेक्ट्रॉनिक ई ग्रीन लाइब्रेरी कंसेप्ट की तरफ दौड़ाना है, लाइब्रेरी ड्यूटीज उसको मोटिवेट करना है, लाइब्रेरी शुड हैव, हमको ऑनलाइन एक्सेस होना है, नॉट केवल ऑनलाइन, रिमोट एक्सेस पे भी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करना है। डियर फ्रेंड्स, हमको कोई बड़ी चीज नहीं है, स्कैन मटेरियल करके हम अपने रीडर्स को पहुंचाएं, न्यूज़पेपर्स वगैरह की जो आपका सोशल साइट व्हाट्सएप पे प्रोवाइड करे हैं, ना केवल बल्कि स्टूडेंट, बिल्कुल लॉकडाउन पीरियड में हम खुद भी स्ट्रेंथन हो। ये सब जो नई चीजें बताई हैं आपकी भाषा में बताई गई, इसमें कोई खर्चा नहीं आने वाला, हम आपको सीखने की कोशिश करना, लोगों को वर्चुअल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना है, वेबसाइट वेब ये सब बना के अपना मटेरियल आपको हाइपर लिंक करके मार्केटिंग करना है। ये जो आपके बहुत सारे आपने वेबिनार और ये सब जूम ऐप वगैरह जो आ गए इनके माध्यम से टच में रहे, है ना। तो मेरा बस ये कहना है आप सभी से, इन सब चीजों को उपयोग कीजिए, सब सामने आया है आपकी एसोसिएशन वगैरह, ये बिग क्राइसिस है, लेकिन इसको हमको, ये क्राइसिस हमको ये नहीं बोलता है कि हमको आपको किसी चीज को लर्न करने के लिए थोड़ी रोक रहा है हमको, ये कोविड हिडन लाइब्रेरी फिजिकल सर्विस बट कैन नॉट रिस्ट्रिक्ट द लाइब्रेरी लर्निंग। मेरा बस लास्ट आप लोग से सब स्पेशली थैंक्स देते हुए डॉक्टर नबी हसन जी को और ऑर्गेनाइजर्स को जिन्होंने इतना सुंदर प्रोग्राम बनाया, स्पेशली हमारे डॉक्टर ब्रजेश तिवारी साहब को जिनके मार्ग गाइडेंस में ये सब हो रहा है। नो डाउट छत्तीसगढ़ के लाइवियंस अपडेट होंगे, आगे करने की कोशिश करेंगे। हमारा बस लास्ट इतना निवेदन है कि देयर इज नो हर्डल, ये आप दिमाग से निकाल दीजिए कि मैन पावर नहीं है, फाइनेंस नहीं है, ये सब कुछ नहीं है, ये आपको कम करने के लिए, मैन पावर कम करने के लिए, रिसोर्स के यूज के लिए ये बाहर के लोग एक्सपर्ट्स हमको प्रमोट कर रहे हैं। अनदर थिंग, funds is not matter, all Libyan more than 50,000 above salary is getting, enlist वगैरह में आप लोग registered होइए immediately, और ये data जो free resources है चाहे वो ICR का हो, चाहे recurrency course का हो, चाहे repository, इन सब से लोगों को update कराइए। So thank you very much, dear friends, now I again to organizer to start another session, thank you very much. Thank you very much sir. I first of all I thank you, express my thanks for brainstorming lecture of Dr. Nabi Hasan. It is really beneficial for library persons to transfer themselves using innovating library resources, or vice versa, in the era of smart library is a prime requirement. Yeah, really, really, very, very thankful to you, sir, and my sincere thanks to Dr. Madhav Pandey, sir, for delivering such a user-friendly approach to motivate the library personalities to do in the field of digitization. Thank you very much. Bahut bahut dhanyavaad sir. Is satra ke sundar samapan ke liye bahut bahut dhanyavaad. Iske pashchat ek minute ma'am hamara question answer session shuru hota hai. Ek minute. Hasan sir, please make Bilasal College Library the host again, please. Okay. नहीं है। I'm seeing the option. सर एक्चुअली बिलासा कॉलेज लाइब्रेरी एंड देयर इज ऑप्शन मोर, क्लिक ऑन मोर एंड देयर इज ऑप्शन मेक अ होस्ट। लेट मी trying to find out Bilas. Sir, that will be sir. At first, click on participants, and participant chat box will be open on the right hand side of your computer or laptop. Yeah, yeah, it is. Yes, sir. It is okay. Make host. Yes, sir. So I have made you host. Can you yes, check sir. It? Thank you, sir. Thank you, sir. Okay, so so madam, please check if there are any questions, otherwise I may log yes. out. Yes, yeah sir, any questions sir? If any questions, no questions. Thank you Dr. Nabi Hasan. No questions sir. So yeah, have you recorded this lecture?
Yes, sir. Yes, it is recorded. And it is also is live streaming on YouTube. Participants are asking for PPT. It will be available. Yeah. Let me see. Let me see. And please share the video. Because yes, sir, PPT, yes, the whole PPT is also available on video because I was using the screen. So. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So thank you very much, everyone. Thank you. It will be available on Dr. the YouTube. Pandey. Thank you very much. Chaudhary sahab, they want permission. Chaudhary sahab, utke chale gaye. Thank you again. कोई sound का problem है sir उनका? ठीक है, अगर आप लोग आज्ञा दें तो मैं अब leave करना चाहता हूँ. Thanks. Okay, thank you very much. Thank you very much, Dr. Ravi sir. Thank you, sir. हाँ, yes करो. अब आया? हाँ बोलो, आप बोल सकते हैं. इसी के साथ अब हम अपने सेमिनार के अंतिम सोपान की ओर अग्रसित हो रहे हैं, अपने वैलिडेटरी फंक्शन की ओर. इस क्रम में मैं सबसे पहले फीडबैक के लिए आमंत्रित करना चाहूंगी किसी को. अजय चंद्र. निश्चित रूप से इस दो दिन के वेबिनार में आप लोगों ने कुछ अचीव किया होगा एंड कुछ आपके व्यूज होंगे जो आप शेयर करना चाहते हैं, तो मैं आपके अपने वर्ड्स के लिए आपको आमंत्रित करती हूँ. और मैं इस क्रम में सर्वप्रथम अजय चंद्रा जी को आमंत्रित करती हूँ कि तू शेयर देयर योर ओन व्यूज. प्लीज अजय चंद्र. थैंक यू डॉक्टर कावेरी मैम. सबसे पहले मैं जो पैनलिस्ट हैं, रिसोर्स पर्सन हैं आदरणीय, उनका नतमस्तक करता हूं, प्रणाम करता हूं. और बिलासा कॉलेज लाइब्रेरी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं उस पूरे कार्यक्रम के लिए कि उन्होंने इस वेबिनार को कराया जिसके थ्रू हम जाने माने जो तीन दिन जिन्होंने अपना लेक्चर दिया है, चार विशेष रिसोर्स पर्सन हैं, मिस्टर डी पी त्रिपाठी जी हैं या प्रोफेसर आदित्य त्रिपाठी सर, डॉक्टर एस रवि कुमार सर, और आज हमने प्रोफेसर नबी हसन सर को सुना, जो कि आईआईटी दिल्ली न सिर्फ देश का बल्कि विश्व में जाना माना इंस्टीट्यूशन है. उनके लाइब्रेरियन को सुनना अपने आप में गर्व का विषय है. उन्होंने जिस तरीके से आज न सिर्फ अपने विषय के बारे में बताया बल्कि लाइब्रेरी और लाइब्रेरियन का कैसे रोल हो सकता है और जिस तरीके से हम टेक्नोलॉजी को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करके ज़्यादा यूज़र्स तक पहुँच सकते हैं और अपने लाइब्रेरी के प्रोडक्ट्स को कैसे मार्केटिंग कर सकते हैं, एक लाइन में अगर मैं सम अप करना चाहूँगा तो यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी टू फॉर रीचिंग द अनरीच्ड, मतलब जिनके पास हम नहीं पहुँच पाए हैं उन तक टेक्नोलॉजी से का यूज़ करके कैसे हम पहुँच सकते हैं, न सिर्फ इस COVID-19 पैंडेमिक सिचुएशन के दौरान ही बल्कि इससे आउटकम होने के बाद भी कैसे हम टेक्नोलॉजीज़ का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे. और भी तीन दिन का जो लेक्चर रहा है बहुत सुंदर और कंटेम्प्रेरी रहा है, रिलेवेंट रहा है अभी के टॉपिक के हिसाब से कि कैसे हम क्लाउड पे कोहा का यूज़ कर पाएंगे या फिर डिजिटल आर्काइविंग किस तरीके से किया जा सकेगा. इस पर बहुत ही सुंदर लेक्चर एक्सपर्ट्स ने दिया था और सारगर्भित लेक्चर मैं कहना चाहूँगा, जो कि न सिर्फ लाइब्रेरी प्रोफेशनल्स के लिए जो इस फील्ड से जुड़े हुए हैं बल्कि बाकी लोगों के लिए भी इंस्पायरिंग रहा है, वो पूरा यूज़फुल रहा है. और ये जो लेक्चर्स हैं यूट्यूब में हमेशा रहेंगे तो हम फ्यूचर में भी आगे जा कर के इन लेक्चर्स को विजिट करके सुन सकते हैं. तो मैं फिर से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा सारे रिसोर्स पर्सन का, चेयरपर्सन का और ऑर्गेनाइजिंग कमिटी को, कॉलेज को. धन्यवाद. बहुत बहुत धन्यवाद अजय चंद्रा जी. अब इसके पश्चात मैं आमंत्रित करती हूँ श्री अजय श्रीवास जी फॉर देयर एक्सप्रेशंस.
अजय श्रीवास जी प्लीज. अजय श्रीवास जी प्लीज ज्वाइन होइए. यस यस मैं अडेमियर. यस सर. यस सर. सबसे पहले तो मैं वेबिनार का आयोजन करने के लिए नेशनल लेवल पर इंटरनेशनल लेवल के स्तर का जो है हमारे छत्तीसगढ़ में ये मेरे हिसाब से पहला वेबिनार होगा. इसके लिए मैं विलासा गर्ल्स कॉलेज के प्राचार्य जी को और ग्रंथपाल श्री डॉक्टर बी आर चौधरी जी को साथ ही वेबिनार का सफलतापूर्वक आयोजन हो सके इसके लिए हमारे प्रेरणा स्रोत हमारे परम आदरणीय डॉक्टर ब्रजेश तिवारी सर हेड ऑफ डिपार्टमेंट केंद्रीय विद्यालय केंद्रीय विश्वविद्यालय बिलासपुर के अलावा जो भी हमारे कमेटी के सदस्य हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एडवाइजरी कमेटी के सदस्य टेक्निकल सपोर्ट और जो भी ग्रंथपाल जो इस कमेटी में जुड़े हुए हैं और अपना सहयोग दे रहे हैं उन सब के सहयोग से यह कार्यक्रम बहुत ही सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है. और जो हमारे नए जनरेशन के ग्रंथपाल हैं और जो ग्रंथपाल का पद पाने के लिए अभी प्रतियोगिताओं में शामिल हो रहे हैं उनके लिए यह जो है बहुत ही नया मतलब बहुत ही कुछ सीखने को उनको मिला है. जहां ये आने वाले ग्रंथपाल लोगों के लिए सीखने का एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया है साथ ही जो अभी वर्तमान में ग्रंथपाल के पद पर कार्यरत है उन्हें भी अपडेट करने में यह वेबिनार बहुत ही सफल रहा. तो अंत में मैं यही कहना चाहूंगा संक्षेप में कि यह वेबिनार हमारे छत्तीसगढ़ बिलासपुर में विलासा गर्ल्स कॉलेज द्वारा बहुत ही सफलतापूर्वक इसका आयोजन किया गया है. इसके लिए समिति के सारे सदस्यों को और जो रिसोर्स पर्सन बाहर से जुड़े और जिन्होंने अपना अनुभव हमारे साथ साझा किया उन सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ. आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद. नमस्कार. धन्यवाद अजय श्रीवास सर. एंड नाउ आई रिक्वेस्ट श्री रेखराज साहू जी ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी ऑफ दिस नेशनल वेबिनार टू प्रेजेंट द रिपोर्ट ऑफ लास्ट टू डेज. आदरणीय रेखराज साहू जी. Thank you, madam. Good afternoon to all. Respected Singh sir, Vice Chancellor Pandit Sundarlal Sharma, Open University, Bilaspur. Dr. S. L. Nirala sir, Principal Government, Bilasa Girls PG College, Bilaspur. Dr. Brijesh Tiwari, HOD, Library and Information Science Department, Guru Ghasidas Vishwavidyalaya, Bilaspur. Dr. Madhav Pandey sahab, University Librarian, Indira Gandhi Krishi Vishwavidyalaya. Mr. B. R. Chaudhary, convener of the National Webinar, Technical Experts Advisory Board Committee, and all dear participants. जैसे कि हम सभी को विदित है कि ग्रंथालय एवं सूचना विज्ञान विभाग शासकीय बिलासा कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय बिलासपुर में तीन दिवसीय राष्ट्रीय वेबिनार विषय डिजिटल लर्निंग एंड ऑनलाइन लाइब्रेरी सर्विसेज पर ऑनलाइन किया गया था. इस कार्यक्रम में देश विदेश से 803 प्रतिभागियों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्राप्त हुआ. वेबिनार के प्रथम दिवस में 6 जून 2020 को कार्यक्रम की शुरुआत बी आर चौधरी ग्रंथपाल ने अपने स्वागत भाषण से किया. उन्होंने कहा कि इस कोविड-19 के इस समय में डिजिटल संसाधनों की आवश्यकता एवं महत्व को बतलाते हुए इस राष्ट्रीय वेबिनार के उद्देश्यों एवं विभिन्न पहलुओं पर ध्यान आकर्षित किया. तत्पश्चात इस वेबिनार में अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर एस के निराला सर ने प्राचार्य शासकीय विलासा कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय ने इस संगोष्ठी पर प्रकाश डालते हुए डिजिटल लर्निंग की लोकप्रियता और संस्थानों में अध्ययन अध्यापन कार्यों में डिजिटल प्रौद्योगिकियों का उपयोग प्राध्यापकों द्वारा भी किए जाने की जानकारी प्रदान की. उसने कहा कि शैक्षणिक गतिविधियों में समग्र सीखने की प्रक्रिया को अधिक रोचक और आकर्षक बनाते हैं. उद्घाटन सत्र में के मुख्य अतिथि प्रोफेसर जी डी शर्मा कुलपति अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर ने
अपने उद्बोधन में कहा कि COVID-19 की इस घड़ी में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हमें छात्र छात्राओं एवं प्राध्यापकों को अध्ययन अध्यापन के लिए ऑनलाइन सूचना स्रोतों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करने पर जोर दिए जाने, साथ ही पुस्तकालयों की डिजिटलाइजेशन एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म का आसानी से घर बैठे उपयोग करने की बात पर जोर दी। इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि रहे डॉक्टर ब्रजेश तिवारी, विभागाध्यक्ष पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान विभाग, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर ने पुस्तकालय के में ऑनलाइन सेवाओं और सुविधाओं को बतलाते हुए इस राष्ट्रीय वेबिनार के सभी प्रतिभागियों एवं आयोजकों को बधाई दिया। प्रथम दिवस के मुख्य वक्ता के रूप में आमंत्रित किए गए श्री डीपी त्रिपाठी, सहायक ग्रंथपाल, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान राउरकेला उड़ीसा द्वारा कोहा पुस्तकालय ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को विस्तार से बतलाया तथा उनसे संबंधित जानकारियां प्रदान की गई। प्रमुख वक्ता श्री डीपी त्रिपाठी का परिचय श्री प्रवीण कुमार देवांगन, ग्रंथपाल, शासकीय कन्या पॉलिटेक्निक कॉलेज रायपुर के द्वारा किया गया। प्रथम दिवस के अंत में मेरे द्वारा आभार प्रदर्शन किया। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर कावेरी दाभड़कर मैडम, सहायक प्राध्यापक शासकीय बिलास कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम के प्रथम दिन में यूट्यूब के माध्यम से सीधा प्रकाशन किया गया, जिसमें 619 लोग स्ट्रीमिंग से जुड़कर अपनी उपस्थिति एवं ज्ञान प्राप्त किया। कार्यक्रम के द्वितीय दिवस 7 जून 2020 में देश विदेश के 743 प्रतिभागियों ने भाग लिया। इसकी शुरुआत में बीआर चौधरी गणपाल ने सभी वक्ताओं, आयोजकों एवं प्रतिभागियों का स्वागत किया। इस कार्यक्रम के प्रथम सत्र में मुख्य वक्ता डॉक्टर आदित्य त्रिपाठी, प्राध्यापक पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान विभाग बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी द्वारा डिजिटलाइजेशन टेक्नोलॉजी ऑफ लाइब्रेरीज, डिजिटल अप्रोचेस एंड डिजिटल आर्काइवर, इस विषय पर अपने सारगर्भित विचार रखे तथा साथ ही पुस्तकालय में उनकी उपयोगिता एवं आवश्यकताओं पर प्रकाश डाला तथा प्रतिभागियों के प्रश्नों के उत्तर भी दिए। प्रथम सत्र की अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर आरजी यादव, सेवानिवृत्त ग्रंथपाल, डीपीपी महाविद्यालय बिलासपुर ने अपने उद्बोधन में वर्तमान समय में पुस्तकालय द्वारा अपने सामग्रियों को संग्रह करने एवं संरक्षित करने पर विचार प्रकट किया। प्रथम सत्र के मुख्य वक्ता डॉक्टर आदित्य त्रिपाठी का परिचय श्री श्रवण यादव, सहायक ग्रंथपाल, RMD कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केंद्र बिलासपुर अंबिकापुर के द्वारा किया गया। द्वितीय सत्र के मुख्य वक्ता रहे डॉक्टर एस रवि कुमार, सहायक प्राध्यापक पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान विभाग नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी शिलोंग के द्वारा कोहा ऑन क्लाउड विषय पर पुस्तकालय में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पुस्तकालय सॉफ्टवेयर की उपयोगिता एवं क्लाउड में डाटा को सुरक्षित रखने एवं उनकी उपादेयता के बारे में तथा विभिन्न सर्विस प्रोवाइडर के बारे में बताया तथा प्रतिभागियों के प्रश्नों के उत्तर दिए। यह सेशन सबसे ज़्यादा प्रचलित रहा। द्वितीय सत्र के मुख्य वक्ता रहे डॉक्टर एस रवि कुमार का परिचय क्षमा ठाकुर, ग्रंथपाल, शासकीय महाविद्यालय कांकेर के द्वारा किया गया। द्वितीय सत्र कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर एस के सतपति, डिप्टी लाइब्रेरियन, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान रायपुर ने कोहा की उपयोगिता एवं उनके विभिन्न पहलुओं को दर्शाया। अंत में धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर सीमा मैडम, सीमा मिश्रा, सहायक प्राध्यापक शासकीय बिलासा कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय द्वारा किया गया। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर कावेरी दाभड़कर, सहायक प्राध्यापक शासकीय बिलासा कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम को जून क्लाउड मीटिंग के माध्यम से आयोजित किया गया तथा साथ ही इसे यूट्यूब के माध्यम से सीधा प्रसारण किया गया। आज दिनांक 8/6/2020 राष्ट्रीय वेबिनार के अंतिम दिवस में शुरुआत में श्री बी आर चौधरी ग्रंथपाल ने सभी वक्ताओं, आयोजकों एवं प्रतिभागियों का स्वागत किया। अंतिम दिवस में डॉक्टर नबी हसन, लाइब्रेरियन एंड हेड IIT दिल्ली ने ट्रांसफॉर्मिंग लाइब्रेरी एंड लाइब्रेरीज इन द डिजिटल इरा पर उन्होंने अपना व्याख्यान रखे। इस सत्र में सभी व्यवहारिक कार्यों में टेक्नोलॉजी का अधिकाधिक उपयोग पर बल दिया। उन्होंने ग्रंथपालों को अपना अस्तित्व बनाए रखने की भी बात कही। मार्केटिंग ऑफ लाइब्रेरी सर्विसेज को अहम बताया, जिससे कि उपभोक्ताओं को ग्रंथालय सेवाओं से परिचित कराया जा सके। साथ ही बहुत सारे ग्रंथालय टूल्स को भी बतलाया। इस सत्र के अध्यक्ष डॉक्टर माधव पांडे, पुस्तकालय अध्यक्ष इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के द्वारा किया गया। डॉक्टर माधव पांडे सर ने संस्था में अपनी छवि बनाए रखने की बात कही, जिससे कि प्रशासन की ओर से आपको समय समय पर सुविधाएं प्राप्त हो सके। डॉक्टर नवी हसन, लाइब्रेरियन हेड IIT दिल्ली का परिचय श्री अनिल देवांगन, ग्रंथपाल, शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज दुर्ग ने किया। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर कावेरी दाभड़कर, सहायक प्राध्यापक शासकीय बिलासा कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम को जूम क्लाउड मीटिंग माध्यम से आयोजित किया जा रहा है और साथ ही से यूट्यूब के माध्यम से भी सीधा प्रसारण किया जा रहा है। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में श्री सारिकाम कोसले, श्री अजय चंद्र, श्री दीपांजन मिश्र का तकनीकी सहयोग के लिए विशेष सहयोग रहा। इसी के साथ मैं अपना आज का ये रिपोर्ट समाप्त करता हूँ। धन्यवाद आप सभी का।
Many many thanks, Sri Rekha Sahu ji. And now, a person who is not only a great motivation to all of us, but a visionary, and the person who gave us the belief to bring together this webinar, is none other than our respected principal. गवर्नमेंट बिलासा गर्ल्स पीजी कॉलेज द्वारा ऑर्गेनाइज डिजिटल लर्निंग एंड ऑनलाइन लाइब्रेरी सर्विसेज के त्रिदिवसीय वेबिनार कार्यक्रम में के समापन वेला पर आप सभी का मैं तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। उद्घाटन के बेला पर यह कहा गया था कि 750 हमारे पार्टिसिपेंट इसमें भाग लिए हैं, लेकिन आज समापन के बेला आते आते मैं देख रहा हूं कि टोटल 802 लोग इसमें रजिस्टर्ड हुए हैं, और यूट्यूब का इस्तेमाल पहले दिन इसमें जो लाइक किए हैं 2071 लोग पसंद किए हमारे इस कार्यक्रम को, और उसी प्रकार के दूसरे दिन 5314 लोग, जैसे कि चौधरी ने बताया और मैं भी देख रहा था, और आज ये तीसरा दिन चल रहा है। निश्चित रूप से ये सभी का श्रेय हमारे माननीय विशी साहब, अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर का मार्गदर्शन योगदान रहा है, और उनका मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। और बीच में हमें सपोर्ट करने के लिए, जैसे कि दूरवर्ती शिक्षा को कैसे बेहतर कर सके, कैसे अच्छा संचालन कर सके, इसके लिए प्रोफेसर बंस गोपाल सिंह साहब जो कि वाइस चांसलर हैं और आज के इस कार्यक्रम के समापन के बेला पर मुख्य अतिथि हैं, पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर के, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। और हमेशा सर हमें मोटिवेट करते रहते हैं कि और बेहतर कैसे अपने संस्था को कैसे खूबसूरत बनाया जाए। मैं पुनः सर का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं पिछले 3 दिन से ये देख रहा हूं कि ये कार्यक्रम इतना सक्सेसफुल हुआ है, इतना सभी लोग पसंद कर रहे हैं। हमारे पांडे जी तारीफ कर रहे थे, हसन साहब और बेहतर कैसे बनाए करके बात कर रहे थे। ये सभी का प्रमुख रूप से श्रेय जाता है हमारे जितने भी रिसोर्स पर्सन थे, कि मैं तो सोचा था ये कार्यक्रम कुछ करवाया जाए करके चौधरी जी को बोला था कि कम से कम छत्तीसगढ़ स्तर पे तो कोई लाइब्रेरी साइंस में कुछ काम किया जाए, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम जोड़ते हैं सर, कुछ करते हैं, और नेशनल स्तर पे ये रिसोर्स पर्सन को जोड़े, और जोड़ने के बाद ये राष्ट्रीय शोध संगोष्ठी हो गया, इसके बाद रजिस्ट्रेशन पहुंचे थे हम लोकल लेवल पे, फिर नेशनल लेवल पे आ गए, फिर इंटरनेशनल लेवल पे तक पहुंच गए। तो निश्चित रूप से ये श्रेय जाता है सम्मानित त्रिपाठी जी का, और हमारे जो रिसोर्स पर्सन रहे हैं रवि कुमार साहब का, वैसे आदित्यनाथ त्रिपाठी जी का, और अभी लास्ट में मैं लेक्चर सुन रहा था, सबसे बहुत बेहतरीन हमारे हसन साहब है, वो एकदम जान में जान ला दिए बेहतर ढंग से, कि हम एक लाइब्रेरियन को, जैसे हम लोग शुरू में जब देखते थे, शुरू में जब प्रोफेसर बने थे तो 3-4 लेक्चर देने के बाद थक जाते थे, तो लाइब्रेरी में जा करके कुछ पेपर पढ़ते थे, दो एक पुस्तक निकालते थे, और यही कहते थे कि हमको तो लाइब्रेरी किसी कर दो और मस्त चाय पानी पीते हुए ठटके से बैठे रहो, ऐसे सोचते थे, इन्हीं का जीवन बेहतर है। लेकिन आज के इस युग में, अभी हसन साहब ने बताया और हमारे पूर्व एक्सपर्ट ने सभी ने बताया, कि कैसे बेहतर से बेहतर कि अपने आप को अपडेट करके, जो लाइब्रेरियन का रोल है वो प्रोफेसरों से भी ज्यादा हो गया, बेहतर हो गया है, तो उस दिशा में निश्चित रूप से हमारे लाइब्रेरी साइंस से जुड़े हुए लोग महत्वपूर्ण रूप से कार्य करेंगे। और हसन साहब ने भी यह भी बतलाया कि एक सस्ता भी और महंगा भी, यदि हमारे पास संसाधन दिल्ली है, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी हैदराबाद है, इन बड़े जगहों में, कोलकाता है, इन बड़े जगहों में तो संसाधन बहुत ज्यादा है, लेकिन जहां संसाधन कम है उन छोटे जगहों में हम कैसे बेहतर डिजिटल
इस युग का इस्तेमाल करते हुए लाइब्रेरी को कैसे बेहतर कर सकते हैं, स्मार्टफोन के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक से जुड़ करके और बेहतर कैसे कर सकते हैं। इन सभी दिशा में आप सभी लोगों ने मार्गदर्शन दिया। निश्चित रूप से ये हमारे महाविद्यालय के लिए और पूरे सारे लाइब्रेरी जगत के लिए और आगे वाले समय के लिए निश्चित रूप से ये मूल्यवान साबित होगा, अविस्मरणीय होगा। एक हम लोग बचपन में हमारे हम लोग छत्तीसगढ़िया है तो छत्तीसगढ़ी में हम लोग कहते थे जो पत्थर जो आम को तोड़ने के लिए कोहा कोहा मतलब पत्थर लेते थे और वो प्राप्त करने के लिए आम को तोड़ने के लिए या पके हुए आम को लेने के लिए नीचे से ऊपर मारते थे और उसको प्राप्त करते थे, निशाना साधते थे। तो ये कोहा को कैसे स्मार्ट बेहतर बनाया जा सके, ज्ञान के क्षेत्र में हम कैसे उसका बेहतर इस्तेमाल कर सके, ये हमारे एक्सपर्ट जो है वो कुमार जी। तो आइए हम सब मिल करके और इस लाइब्रेरी साइंस को इस डिजिटल इंडिया में बेहतर ढंग से लर्निंग प्रोसेस को बेहतर से बेहतर बनाने का हम सभी प्रयास करें। निश्चित रूप से जीवन के इस आपाधापी में केवल पुस्तकों ही नहीं, पुस्तक हमारे सबसे बड़े मित्र है, बल्कि बेहतर ढंग से हम अपने शरीर के लिए अपने जीवन शैली में कैसे परिवर्तन ला सकते हैं, इन सारे चीजों की जानकारी हम इसी के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। हम दिनचर्या के जो चीजें हैं, जीवन के जो महत्वपूर्ण मूल्य है, हेल्थ है, बिजनेस है, स्किल डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन है, पोस्टर बैनर कैसे बनाए, कैसे हमारा प्रॉपर प्रेजेंटेशन हो, खास करके हमारे छत्तीसगढ़ के जो ग्रामीण अंचल के जो लाइब्रेरी साइंस के जुड़े हुए लोग हैं, अरे हमारे पास तो संसाधन कुछ भी नहीं है, क्या कर सकते हैं, कोई फंड नहीं आता ही नहीं, इस प्रकार से सोचते हैं। अब ये सारी चीजों की कोई आवश्यकता नहीं है, कम संसाधनों में कैसे बेहतर से बेहतर इस्तेमाल कर सके, इन सारी चीजों की इन तीन दिवसीय शिविर के माध्यम से बेहतर प्रेजेंटेशन दे करके आप सभी लोगों ने मोटिवेट किया है। मैं समस्त रिसोर्स पर्सन का समय काफी हो गया है, नाम नहीं लूंगा, हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। और इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से हमारे जो बैठे हुए जो यंग लोग हैं, जो हमारे लाइब्रेरियन है चौधरी साहब हैं और हमारे साहू जी हैं और कोसले साहब हैं और ये मिश्रा जी बड़ा एक्सपर्ट हैं, अजय चंद्रा जी, ये सभी लोगों को मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। मैडम कावेरी दाभरकर को और हमारे मैडम जो मैनेजिंग कमेटी के जो किरण वाजपेयी थी, मुक्त दुबे, सीमा मिश्रा, शुभ राहलकर, इन सभी दो हमारे सारे प्राध्यापकों ने मिलकर के ये कार्यक्रम को बेहतर अंजाम देने का प्रयास किया है। आप सभी का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ और पुनः मैं इस समापन के बेला पर आदरणीय सम्माननीय हमें बीच बीच में मार्गदर्शन देने वाले प्रेरणा स्रोत प्रमुख रूप से दो इस क्षेत्र में हैं, सम्माननीय शर्मा साहब और दूसरा प्रोफेसर वंश गोपाल सिंह साहब, उनका मैं पुनः इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्राचार्य सर, ये वैचारिक सकारात्मकता ही हम लोगों को कार्य करने के लिए प्रेरणा देती है। बहुत बहुत धन्यवाद, आशा करती हूँ कि आपका ऐसा ही मोटिवेशन हमको आगे इसी तरह के अच्छे इसी के साथ आज हमारे लिए ये बहुत ही गौरव का क्षण है कि हमारे बीच में हमारे अंचल के शिक्षाविद ऑनरेबल डॉक्टर वंश गोपाल सिंह, वाइस चांसलर पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी बिलासपुर, हमारे बीच में इस वेलेडिक्टरी सेरेमनी के लिए एड्रेस देने के लिए उपस्थित है। मैं अत्यंत आदर के साथ, अत्यंत सम्मान के साथ उनको मैं एड्रेस के लिए अपने आशीर्वचनों के लिए आमंत्रित करती हूँ। आदरणीय वंश गोपाल सिंह, वाइस चांसलर पंडित सुंदरलाल शर्मा यूनिवर्सिटी बिलासपुर। कुछ बात शुरू करने के पहले मैं पहले सूचित करूं कि जो हमारा इंटरनेट कनेक्शन है आज थोड़ा सा कुछ बीच बीच में गड़बड़ हो रहा है। जब कभी भी ऑडियो आपको ना मिले तो एक बार हाथ कोई ऊपर उठा दे तो मुझे जानकारी हो जाए तो मैं यहाँ से उसको एडजस्ट कर लूँ, तो ये निवेदन मेरा था। इस समापन सेमिनार में भाग ले रहे महाविद्यालय के यशस्वी प्राचार्य प्रोफेसर एस एल निराला जी, मैं यहाँ देख रहा हूँ प्रोफेसर ब्रजेश तिवारी जी भी जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर तिवारी जी यूनिवर्सिटी
सॉरी कॉलेज के जो लाइब्रेरियन हैं मिस्टर बी आर चौधरी जी, मिस्टर रेखराज साहू जी और दूसरे जो पार्टिसिपेंट हैं, आप सभी को मेरा नमस्कार। अभी मैं रिपोर्ट सुन रहा था, एक बड़ा सुखद अनुभूति हुई कि जो पार्टिसिपेंट्स की संख्या है वो रजिस्टर्ड आपके 802 हुए, लेकिन जो लाभ लेने वाले हैं वे हजारों में हैं। आज का जो रिपोर्ट है 5314 का, तो एक बड़ी भारी संख्या है जो इससे लाभान्वित हुई। और इसमें एक संख्या और आप जोड़ सकते हैं, लास्ट लेक्चर प्रोफेसर नबी हसन का, मैंने भी आधा अधूरा उसको सुना है, शुरू का मैं नहीं सुन पाया, लास्ट में मैं सुना जरूर उसको। और वाकई जो प्रोफेसर निराला जी ने कहा कि ये उनके मन में धारणा थी कि लाइब्रेरियन करते क्या है, दिन भर बैठे रहते हैं, तो आज उनकी धारणा ये बदल गई है। और मैं समझता हूँ कि मेरी भी धारणा बहुत कुछ बदली है, क्योंकि लाइब्रेरी में काम करने की गुंजाइश बहुत अधिक है। और आज के दिन जब ये COVID-19 के कारण, इस पैंडमिक के कारण, जब ऑनलाइन लर्निंग की महत्व बढ़ रहा है और कहीं कहीं ऑनलाइन के एरिया में हमें जाना पड़ेगा, स्कूलों को जाना पड़ेगा, कॉलेज और यूनिवर्सिटी को जाना पड़ेगा, तो उस दौरान लाइब्रेरी का जो इम्पोर्टेंस है बहुत अधिक बढ़ जाता है। बहुत पहले, दो तीन साल पहले जब प्रकाश जावड़ेकर जी शिक्षा मंत्री थे, तो उस समय उन्होंने ऑनलाइन लर्निंग की बात शुरू की हायर एजुकेशन में, स्कूल एजुकेशन में भी, और बहुत सारे MOOCs की बात की उन्होंने। और स्वयं और स्वयं प्रभा पर यदि आप जाएं तो आप देखेंगे कि बहुत सारे प्रोग्राम रन हो रहे हैं ऑनलाइन, लेकिन वो ऑनलाइन प्रोग्राम बहुत सक्सेसफुल नहीं थे। कारण उसका था कि वो जितने भी प्रोग्राम थे उसमें से अधिकांश था इंग्लिश। और बहुत सक्सेसफुल वो प्रोग्राम, उस कारण ऑनलाइन लर्निंग का महत्व बहुत बढ़ गया। और इस ऑनलाइन लर्निंग का महत्व बढ़ने के साथ ही आप अनुभव कर सकते हैं कि जो जावड़ेकर जी ने मूवमेंट शुरू किया था वो बहुत मुफीद मूवमेंट था, सामयिक था, एक तरह से कह सकते हैं कि इन एडवांस था। आप जानते हैं कि दो तरह से ऑनलाइन लर्निंग होती है। एक तो जो आपका जो कोर्स है, जो जिस कोर्स में आपने, ट्रेडिशनल कोर्स में आपने एडमिशन लिया है, विद्यार्थी एडमिशन लिया है, उसके साइड बाई साइड एलॉन्ग साइड जो है ये आप ऑनलाइन की सुविधा आप ले सकते हैं, अपने लर्निंग को और इनरिच कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि आप ऑनलाइन कोर्स में ही एडमिशन आपने लिया है और स्टैंड अलोन जो प्रोग्राम्स हो सकते हैं उसमें आपने एडमिशन लिया है और ऑनलाइन आपकी लर्निंग चल रही है, ऑनलाइन जो सारी चीजें हैं वो हो रही हैं, ऑनलाइन एग्जामिनेशन आपका हो रहा है, वगैरह वगैरह। तो ये आज की स्थिति है। और आप देख लें तो जिस जूम पर हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं, तो इस जूम की जो चर्चा है वो केवल सेमिनार और कॉन्फ्रेंस के लिए नहीं है, बल्कि आज के लिए भी एक बड़ा उपयुक्त अपने इंडियन कोई प्लेटफॉर्म डेवलप हो। हेलो, आवाज आ रही है? तो ये बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जिसमें जिसकी सहायता ली जा सकती है। अब ऐसी स्थिति में लाइब्रेरी की क्या भूमिका है, ये आप लोगों ने दो दिन से चर्चा की और बड़ा सुखद जितना मैं सोच रहा था उससे कई गुना शुरुआत है, वो ई बुक्स और ई जर्नल्स का है, ये आप अपने लाइब्रेरी में रखते हैं। लेकिन यदि लाइब्रेरी में विद्यार्थी बैठेंगे ही नहीं तो आपको
स्टूडेंट तक अपने रीच को करना है, संभव करना है, अपना एसेस जो है स्टूडेंट्स तक आपको लेके जाना है, स्टूडेंट्स आपके लाइब्रेरी में आए या ना आए। बहुत कम स्टूडेंट्स लाइब्रेरी आपके आएंगे, तो यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और कैसे आप करेंगे, आपके पास यदि प्रिंट मटेरियल है तो उसको तो लेके जा नहीं सकते हैं। प्रिंट मटेरियल के लिए स्टूडेंट लाइब्रेरी आएगा और लाइब्रेरी से बुक इशू करा करके हो जाएगा। ऐसी स्थिति में एक बहुत बड़ी भारी समस्या है कि जो ये कोविड 19 की महामारी है, इसमें कैसे विद्यार्थी सुरक्षित रूप से आए और आपको भी सुरक्षित रहना है उसे, और वह प्रिंटेड मटेरियल ले जाए। ऐसी स्थिति में जो दूसरा एक फॉर्म बचता है वो डिजिटल है, ऑनलाइन सिस्टम है, कि उसमें विद्यार्थी आकर के ना आकर के अपने को लाइब्रेरी तक, लाइब्रेरी से कनेक्ट कर ले और अपनी लर्निंग को वह जारी रखे। एक बड़ी भारी समस्या थी। मैं समझता हूँ कि जितना प्रिंट मटेरियल है सभी का डिजिटाइजेशन पॉसिबल नहीं है। बहुत सारा मटेरियल आपका बुक फॉर्म में है, उसको यदि आप ई कंटेंट में चेंज करना चाहें, जैसे शोध गंगा में हुआ कि पूरे जितने भी रिसर्चेस थे शुरू से लेकर के और आज के दिन तक, यदि कोई अवार्ड होता है डिग्री, तो शोध गंगा में वह थीसिस जो है चली जाती है, आप उसकी स्टडी कर सकते हैं। लेकिन बुक्स के मामले में नहीं, क्योंकि कॉपीराइट की प्रॉब्लम है, मार्केट है उसका, और वो परमिट नहीं कर रहे हैं। तो ई बुक्स, और ई बुक्स बहुत महंगे भी होते हैं, तो एक समस्या है। लेकिन अब जो मैं समझता हूँ कि जो कंटेंट डेवलप हो रहा है या डेवलप होना चाहिए, जो लाइब्रेरी की दृष्टि से, डिजिटल लाइब्रेरी की दृष्टि से मुफीद हो, वह उधर लोगों का ध्यान जरूर जाएगा और जा रहा है, और निश्चित रूप से चेंजेज होंगे। बीच में जब कंप्यूटर का उपयोग बढ़ा और इंटरनेट पर मटेरियल अवेलेबल होने लगे, तो लाइब्रेरी में एक सेक्शन जो है आपका इंटरनेट और कंप्यूटर सेक्शन अलग से कर लिया गया, स्टूडेंट्स और टीचर्स वहाँ जाकर के अपनी स्टडी कर सकते थे। इसका मतलब है कि जो आपकी ट्रेडिशनल लाइब्रेरी है उसके बियॉन्ड, उसके अलॉन्ग साइड जो है जाकर के आप अपने जो ज्ञान की पिपाशा है उसको शांत कर सकते थे। तो निश्चित रूप से एक बड़ी भारी चेंज था, और उसी चेंज की दिशा में एक लाइब्रेरी भी नहीं, अपने घर से बैठ करके बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो सर्च इंजन्स हैं, उनकी सहायता विद्यार्थी लेता है, लेकिन आपका, आप तक उसकी कैसे पहुंच हो आपकी लाइब्रेरी का। तो निश्चित रूप से आपकी लाइब्रेरी को ट्रांसफॉर्म होने की जरूरत है। आपके जो लाइब्रेरियंस हैं, जो यहाँ सारे लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनकी बड़ी भारी ड्यूटी हो गई है कि कैसे अपने मटेरियल को और कैसे विद्यार्थियों तक, डिजिटल मटेरियल है, ये मटेरियल है, वहां तक अपनी पहुंच बना रहा है, पढ़ रहा है। लेकिन आपको इसमें बहुत कुछ करने की जरूरत है। बहुत सारे एप्स हो सकते हैं, जीपीएस को अपने से कनेक्ट कर सकते हैं कि जो मटेरियल है वो कहाँ है, किस सेक्शन में है, जो एसेस करने का आपको इस दिशा में करने की जरूरत है। एक चीज और करने की जरूरत है कि जो लाइब्रेरी है, अब यदि ये एसेस जो है विद्यार्थियों के घर पर या जहाँ हैं वो पढ़ रहे हैं वहां तक रीच करा रहे हैं, इसी स्थिति में क्या एक सोशल रिस्पांसिबिलिटी के तहत आप अपनी जो पहुंच है वह जो जनरल मास है वहां तक आप कर सकते हैं? कुछ जो इंटरेस्टेड लोग हैं, हेलो, जो इंटरेस्टेड लोग हैं उन तक ये आपकी पहुंच हो जाए और आपकी लाइब्रेरी का जो लाभ है वो सामान्य लोग भी लेने लगे, तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा काम होगा। एक और जो महत्वपूर्ण चीज है कि अब जो मटेरियल है, लर्निंग मटेरियल है, वह केवल बुक्स फार्म्स और ई बुक और ई जर्नल्स और उसी में नहीं है, बल्कि आपका जो लेक्चर है वह भी डिजिटल फॉर्म में आ रहा है, उसको भी लाइब्रेरी में कहीं कहीं स्टोर करने की जरूरत है और लाइब्रेरी के रिसोर्सेज में सम्मिलित करने की जरूरत है। तो जितने भी टीचर्स हैं कहीं कहीं अब वे इस फॉर्म में जा रहे हैं कि अपने लेक्चर्स को रिकॉर्ड करें, वीडियोज की बनाएं
और जब वीडियो बन जा रहा है तो वह आपको प्रोवाइड करें, आप उसको विद्यार्थियों तक पहुंच उसकी बनाए, यह एक बहुत बड़ा काम होगा। तो इस पर आपकी दो दिन की एक सेमिनार, और मैं समझता हूँ कि सेमिनार से ज्यादा तो ये वर्कशॉप का रहा, तो आप इसे लाभान्वित हुए, सारे जो हायर एजुकेशन सिस्टम इसे लाभान्वित हुआ। मैं अपनी तरफ से आप सभी लोगों को ढेर सारी बधाई देता हूँ। प्राचार्य जी ने और आपकी टीम ने एक बहुत बड़ा काम किया है, बहुत अच्छा आपका एक सक्सेसफुल एक सेमिनार वेबिनार हुआ जिससे सारे लोग लाभान्वित हुए। एक माहौल लाइब्रेरी का निश्चित रूप से बदलेगा और ये लोग डिजिटल लर्निंग की तरफ अपना जो योगदान है उसे दे सकेंगे। मुझे आपने इसके लिए आमंत्रित किया, मैं आभारी हूँ। आप थैंक यू वेरी मच सर फॉर योर वर्ड्स ऑफ विजडम। निश्चित रूप से आपके बहुत आभारी है। आपने इंटरनेट की हसन का लेक्चर था तो हेलो 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 एम आई एडिबल? यस सर। तो मैं अपनी बात अब समाप्ति कर रहा हूं, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को, एक अच्छे कार्यक्रम की ढेर सारी बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद, सभी लोगों को नमस्कार। सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करते हैं कि आपने इतनी इंटरनेट की अनिश्चितता की स्थिति के बीच में भी आपने बहुत ही अच्छे से, बहुत ही सरल और सुगम शब्द से हमको अपने ज्ञान से लाभान्वित किया। हम आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, आपकी उपस्थिति ही हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर बंशी गोपाल सिंह सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम आभार प्रदर्शन की ओर बढ़ रहे हैं, और आभार प्रदर्शन की जो जिम्मेदारी मुझे दी गई है, सो First of all, I would like to thanks to organizer for giving me the opportunity to express my gratitude on this national webinar. It is an important and I think first webinar organized by our college in which more than 700-800 participants tells us the huge success of this itself. On behalf of the organizer, I express my heartfelt thanks to all our eminent speakers, Honorable Dr. G.D. Sharma sir, Vice Chancellor Atal Bihari Vajpayee University Bilaspur, Dr. Rajesh Tiwari sir, PGU Bilaspur, Dr. D.P. Tripathi sir, IIT Rourkela, Dr. S. Ravi Kumar sir, Nehu, and Dr. Aditya Tripathi sir, Varanasi, BHU Varanasi, and not least Dr. Nabi Hassan sir, IIT दिल्ली। हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं, आपके ज्ञानार्जन से, आपके मोटिवेटिव लेक्चर से हम समस्त अंचलवासी, हम समस्त लाइब्रेरी के क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों को बहुत ही ज्यादा लाभ प्राप्त हुआ है। I express my sincere thanks for our honorable chief guest of valedictory ceremony, Dr. Bansh Gopal Singh, Vice Chancellor, Pandit Sundarlal Sharma University Bilaspur, who graced us with his presence and guidance. Thank you, sir, for sharing with us your words of wisdom. Thank you very much, sir. We have been fortunate to be assisted by our principal and president of this webinar, Dr. S. L. Nirala, sir. You have been a constant support and you have given a lot of encouragement. Thank you very much, sir. आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपके मार्गदर्शन के कारण ही हम इस वेबिनार को अरेंज करने में सफल हो पाए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आई वुड लाइक टू थैंक्स ऑल द पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम ऑल ओवर द नेशन एंड अब्रॉड फॉर देयर प्रेजेंस एंड एक्टिव पार्टिसिपेशन। आपके बिना यह हमारा ज्ञान कुंभ पूर्ण नहीं हो सकता था। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इस डिजिटल सेमिनार को सफल बनाने में तकनीकी पक्ष की बहुत बहुत बड़ी भूमिका है, और इस तकनीकी पक्ष को संभालने वाले हमारे जो तकनीकी सहायक है, उन सभी को भी मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिनके अथक प्रयास से और निरंतर प्रयास से यह वेबिनार हम आयोजित कर सके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।
I express my heartfelt gratitude to organizing team, advisory team, and the staff members for their contribution in this event. आप सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ. Organizing convener of this national webinar, Dr. B.R. Chaudhary sir, Dr. Rekh Raj Sahu sir, organizing secretary of this national webinar, आप दोनों को भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपका जो अथक परिश्रम है वह एक फलीभूत हुआ है अपने ज्ञान के शाखाओं को सभी ओर, भारत न केवल भारतवर्ष में बल्कि भारतवर्ष के बाहर भी संवर्धित करने में आपका यह प्रयास सफल हुआ है. बहुत बहुत धन्यवाद. धन्यवाद हमेशा की तरह मैं सुमित्रा नंदन पंत की शब्दों के साथ करना चाहूंगी. हम मेरे लिए, आपके लिए, इस कोविड लॉकडाउन पीरियड में हम सब सुखी रहे, सब स्वस्थ रहे, सेफ रहे. इन शब्दों के साथ, मेरा प्रतिपल सुंदर हो, प्रतिदिन प्रतिपल सुंदर हो, यह पल पल का लघु जीवन, दर सुखकर सुचित्र हो. बहुत बहुत धन्यवाद. आइए राष्ट्रगान करें, साथ ही इस त्रिदिवसीय अकादमिक यज्ञ की पूर्णाहुति करें. हम सब राष्ट्रगान करें. बहुत बहुत धन्यवाद के साथ राष्ट्रगान. मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंधु गुजरात मराठा, द्राविड उत्कल मंगल, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलधि तरंगा, तव सेवा में जागे, तव शुभ आशीष मागे, गाहे तव जय जय गाथा, जन गण मन मंगलदायक जय हे भारत भाग विधाता, जय हे जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की जय. थैंक यू ऑर्गेनाइजर्स, स्पेशली Vilasagar College team. Thank you, sir. Thank you all. And we are signing off.